अस्सलामुअलैकुम। संडे की कैश क्विज में आप सबका वेलकम। अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मेरा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हम तो जी जी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमें ज्वाइन कर सके लोग, एंड फिर वील कंटिन्यू। तब रिक्वेस्ट तक आई है मेरे पास। जी जी आप पहले इनको एक बार गेम के रूल्स बता दीजिए, जो हमारा क्विज है उसके रूल्स बता दीजिए, क्योंकि कल थोड़े लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी रूल्स समझने में। तो एक बार फिर से हम इनको ब्रीफली समझा देते हैं कि हमारे रूल्स क्या हैं, और फिर हम विल स्टार्ट टेकिंग द क्विज। जी जी इंशाल्लाह। रूल्स मैं जरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा था, सॉरी डिले के लिए। एक्चुअली रिक्वेस्ट अभी से स्टार्ट हो गई है, मैंने कहा किसी को उठा के उनको रूल्स भी बता देते हैं ताकि सब सुन लें। जी जी गेम्स के रूल्स कुछ यूँ है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है जी? सेगमेंट पे बेस्ड है, और फर्स्ट सेगमेंट 100 रुपीज़ का, 3 क्वेश्चन 60 सेकेंड्स हैं, और एक सेगमेंट जीत के आपसे पूछा जाएगा, आपकी कंसेंट होगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेगमेंट से गिव अप करते हैं तो आप वही 100 रुपीज़ लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सेगमेंट खेलें तो उसमें रूल ये है कि नेक्स्ट सेगमेंट हारने पे आपकी जो विनिंग अमाउंट है वो हाफ हो जाएगी, आपको हाफ मिलेगी। इसके अलावा कल के हमारे 2 या 3 विनर्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो यहाँ बैठे हैं कि वो हमें अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो काइंडली भेज दें, क्योंकि आपकी जो कैश प्राइज है वो हम आपको उसके बगैर देने से कासिर रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है जी, आप एक रिक्वेस्ट जो आ रही है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन डिक्लाइंड। मरियम वालेकुम अस्सलाम, कमेंट्स में सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई शायद तकनीकी मसला है जिसके बिना पे हम किसी को ले नहीं पा रहे। मेरे पास यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट रिटर्न आई हैं, आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजिएगा। लाइवा एंड शहरियार शेरी, लाइबा इब्राहिम एंड शेरी की शेरियार की ज़्यादा अपनी रिक्वेस्ट दोबारा हमें सेंड कीजिए ताकि हम कैश क्विज स्टार्ट कर सकें। ओके, इससे पहले जो लोग आते हैं आज के ब्यूटी टिप ऑफ द डे, मैं सबको पिछले वीक मैंने ब्यूटी टिप्स दी थी जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था, एंड दे वर आस्किंग मी फॉर मोर ब्यूटी टिप्स। तो आज की आपकी ब्यूटी टिप होगी कि जब भी आप मस्कारा लेते हो तो प्लीज उसको एवरी 2 to 3 months रिप्लेस कर दिया करो। द रीजन बींग के जब आप मस्कारा यूज करते हो उसका जो वॉन्ड होता है इस पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जब आपको फ्लू भी होता है या आपको कफ होता है तो उसकी वजह से भी आप अगर तब मस्कारा यूज करते हो तो आपकी मस्कारा पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप अपना मस्कारा एवरी 2 to 3 months रिप्लेस कर दिया करो। ठीक बच्चे, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं?
और इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि सेरम और मॉइस्चराइजर कब कब यूज़ करना चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं आप सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो जो इश्यूज़ मुझे लगता है कि बहुत ही ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको यही एड्रेस कर लूँ, ताकि सिर्फ आपको नहीं बाकी सबको भी फ़ायदा मिले. तो वेन एवर यू आर अप्लाइंग योर मॉइस्चराइजर एंड योर सीरम, ऑलवेज ट्राई कि आप अपने सीरम को पहले अप्लाई करें और अपने मॉइस्चराइजर को बाद में अप्लाई करें. द रीज़न बींग कि मॉइस्चराइजर की जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ा थिक होता है इन नेचर, तो जब आप उसके ऊपर सीरम अप्लाई करते हो तो आपको सीरम का फ़ायदा नहीं मिलता है. तो इट्स बेटर कि आप सीरम को पहले अप्लाई करो, क्योंकि वो एक स्मूथ फिनिश होती है उसके, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और उसके बाद यू ट्राई कि आप उस पर मॉइस्चराइजर को डैप कर दो. तो दीज आर द टू टिप्स ऑफ द डे, आप इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, एंड इंशाल्लाह योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. अच्छा जी, हमारे साथ फर्स्ट कैश क्विज के पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज अस्सलामुअलैकुम, अपना नाम बताइएगा सिर्फ, ताकि हम कैश क्विज स्टार्ट कर सकें। आप सिर्फ अपना नाम बता दीजिएगा तो फिर हम मेरा बता नाम देंगे. लाइबा है, कैन यू हेयर मी? जी 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 वी आपकी कैन आवाज आ हेयर रही है। यू. ओके, माय नेम इज लाइबा. ठीक, अच्छा जी, आप ब्यूटी क्विज में, आपसे सवाल किए जाएं, आप ब्यूटी क्विज के लिए आई हैं या जी कंप्यूटर जी के लिए? आज मिक्स हो रहा है हमारा जो क्विज है वो मिक्स है। नहीं, ब्यूटी क्विज के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके जी, ठीक, फिर आप तो मुझसे सवाल मैं पूछिए। आपसे काफ़ी आसान सवाल पूछूंगी. आपके फर्स्ट सेगमेंट में 3 क्वेश्चन हैं, आपको तीनों आंसर करने होंगे टू क्वालिफाई एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाना पाउडर इज यूज्ड फॉर, इज इट सेटिंग मेकअप, रिमूविंग मेकअप और फिक्सिंग ब्लेमिशेस? इट इज फॉर सेटिंग मेकअप। ठीक, आपका जो आंसर है दैट्स करेक्ट. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आप मुझे बताएं कि ब्लश जो है कैसे आप, हाउ डू यू मेक योर ब्लश लास्ट लॉन्गर? इफ यू अप्लाई डायरेक्टली ओवर फाउंडेशन, इफ यू अप्लाई इट ओवर बेक्ड फाउंडेशन, और इफ यू अप्लाई इट बिफोर फाउंडेशन? इफ यू आर अप्लाइंग इट ऑन द बेक्ड फाउंडेशन। दैट्स द करेक्ट वन. आपका तीसरा सवाल है, मैक कब फाउंड हुआ था? 1984। यस, दैट्स द करेक्ट वन. आप ये सेगमेंट जीत चुकी हैं. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू क्विट. इफ यू वांट टू कंटिन्यू आप नो, मुझे बता दें. आई वांट टू प्रोसीड फर्दर। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। आप मुझे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे सवालात हैं, आपको वो आंसर करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द उससे थर्ड सेगमेंट. ओके, आप मुझे ये बताइए कि ओके, फेदरिंग क्या होता है, व्हाट इज फेदरिंग? फेदरिंग इज अ काइंड ऑफ माइक्रोब्लेडिंग। यस, माइक्रो ब्लेडिंग, दैट्स द करेक्ट वन. अच्छा, एक जुविया पैलेस का आपको पता होगा, जुविया पैलेस पैलेट, वो किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? अफ्रीका को। ठीक, ब्लॉटिंग आपको पता है, व्हाट्स ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग इट मीन्स टू रिमूव एक्सेस ऑयल एंड मेकअप फ्रॉम योर स्किन। ठीक है, हु कोलैबोरेटेड विद लॉरियल? लॉरियल जो ब्रांड है, मेकअप ब्रांड, हु कोलैबोरेटेड विद देम? ऑप्शंस दे रहे हैं, आई नो द आंसर, लेकिन मुझे ऑप्शंस प्लीज अगर ठीक आप दे है, दें। वाज इट निकी, वाज इट काइली, वाज इट किम, और वाज इट कमीलिया? कमीलिया कैबलो। ठीक जी, दैट्स द करेक्ट आंसर. इस सेगमेंट को ये क्वालिफाई कर गई हैं. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इनको अच्छा, बता दें सेगमेंट के बारे में, हीरा प्लीज, के जो आप सेगमेंट की प्रोसी तो कैश आप के लिए बता कितना। दीजिए, आप इनको बता दीजिए. जी जी मैं प्रोसीड करना चाहती। ठीक है, आप प्रोसीड करना चाहती हैं. आप मुझे जी पोली जेल के बारे में बता सकती हैं? हाउ लॉन्ग डू पोली जेल लास्ट? वी आर सॉरी, इन द थर्ड सेगमेंट, राइट? हाउ लॉन्ग डू पोली जेल लास्ट? पोली जेल, ऑप्शंस दे दें प्लीज। पोली जेल, जी जी पोली जेल, पोली जेल ऑप्शंस, मैनिक्योर जो है, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? डज इट लास्ट इट वन मंथ, इट इट लास्ट या वन मंथ, इट लास्ट वन वीक, इट लास्ट 2 weeks, और इट लास्ट थ्री टू वीक्स वीक्स टू वीक्स ठीक, दैट्स द करेक्ट आंसर. अच्छा,
अच्छा आप मुझे बता सकती हैं कि आपका वाटर लाइन कहाँ है? जहाँ पे हमारा रिम और आईलेट जो है वो मीट करता है। दैट्स द करेक्ट आंसर. नोपू क्या होता है? व्हाट डज द टर्म नोपू रेफर्स टू? जब आप शैम्पू यूज नहीं करते और कोई और अल्टरनेट हेयर प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग योर हेयर। ठीक, दैट्स द करेक्ट आंसर. आपकी तैयारी माशाल्लाह इज वेरी गुड. अच्छा, व्हेन वी टेल समवन दैट यू आर लुकिंग बीट फेस्ड, तो कैन यू टेल मी व्हाट डज इट इट मीन्स दैट मीन? आवर मेकअप लुक्स अमेजिंग, देयर मेकअप ओके, लुक्स अमेजिंग। जबरदस्त। हाउ मेनी हैज शी आंसर्ड? आई थिंक शी इज क्वालिफाइड दिस राउंड एज वेल. अच्छा आप मुझे बताइए कि BHAs जो हैं वो आपके स्किन के लिए क्या करते हैं? ऑप्शंस प्लीज। दे प्लम्प एंड फर्म द स्किन, दे मिनिमाइज डार्क अंडर आईज, और दे स्मूथ फाइन लाइंस, क्लियर पोर्स, और दे दिस वन स्मूथ फाइन लाइंस एंड क्लियर पोर्स एंड इवन द स्किन टोन। ठीक. उस्मान आप काउंट कीजिएगा कि ये कितने आंसर कर रही हैं. जी इनके राउंड थर्ड चल रहा है। ठीक है जी, अगर मैं दोस्त जी हूँ। जी ठीक. नॉन कोमेडोजेनिक क्या होता है? व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका ऐसे प्रोडक्ट जो मेकअप है वो प्रोडक्ट्स जो स्पेशली इसलिए बने होते हैं कि वो पोर्स को जो है वो क्लॉग ना करें। बिल्कुल, दैट्स द करेक्ट वन. अच्छा कितने कि पैसे हो गए हेरा? 1 मिनट लाइबा, आपके आई पास हैव हो नो गए आइडिया, आई एम पास? नॉट काउंटिंग। एंड आई हैव नो आइडियाज, आई एम आस्किंग. तो आप आप कर काउंट लो। कीजिएगा. आई थिंक शी इज क्वालिफाइड दिस राउंड क्योंकि जी शी इज जी आंसर्ड फाइव. जी जी आपका राउंड फोर्थ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। ऑलराइट। ठीक. आप मुझे बता सकती हैं कि AHAs एंड BHAs में क्या फर्क है? देयर सोल्युबिलिटी, ऑयल सोल्युबिलिटी। ठीक, दिस आंसर इज करेक्ट. एपिडर्मा ब्रिजन जो हम कहते हैं वो, व्हाट इज एपिडर्मा एक्सफोलिएशन ब्रिजन? के लिए होता है, एक टेक्निक है जो एक्सफोलिएशन करती है। ओके. जेसिका एल्बा का मेकअप ब्यूटी ब्रांड कौन सा है? इज इट लॉरियल, इज इट रेवलॉन, इज इट ऑनेस्ट, और इज इट मैक? ऑनेस्ट। ठीक, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, राइट? अच्छा, गेवर्ड लेन का जो मेकअप प्रोडक्ट है, व्हाट वाज इट नोटोरियस फॉर? प्लीज ऑप्शंस दे दे। अच्छा, उनका मेडिकेटेड मेकअप था, या इट वाज नोन फॉर इट्स डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स, यस यस दिस और वन ओके. डर्माटोलॉजिक फीचर्स। ठीक. अच्छा, आप मुझे कॉटन स्वाब्स की अदर यूजेस बता सकती हैं प्लीज? किसके प्लीज नेट में इशू हो रहा है, दोबारा पूछें प्लीज। कॉटन स्वाब्स के अदर यूजेस क्या हैं अदर देन क्लीनिंग योर ईयर्स? आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं इससे आई गेस। ठीक. अच्छा, चार हम हो गए। ठीक है जी, टू क्वेश्चंस रिमेनिंग इस सेगमेंट में, सेगमेंट ठीक. फोर में। Which makeup tool is normally referred to as a golf club? आईलैश कर्लर। नहीं, इट्स अ फ्लैट आयरन. फ्लैट आयरन को हम नॉर्मली गोल्फ क्लब भी कहते हैं क्योंकि वो उनके जो फील्ड है ना गोल्फ क्लब का, उस तरह का नजर आता है. तो यू परफॉर्म्ड रियली रियली वेल. इट वाज वेरी अमेजिंग. आपने काफी अच्छे से पढ़ा है, आपकी तैयारी काफी अच्छी है. तो उस्मान, इनको प्लीज बता दीजिए कि इनकी वन अमाउंट क्या है.
जी उससे पहले लरेब आप प्लीज इधर बैठे बैठे ना हमें अपने डिटेल्स क्रेडेंशियल सेंड प्लीज कर भेज दीजिएगा, दीजिए। क्योंकि कल भी हमसे दो तीन बंदे मिस हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी क्रेडेंशियल अभी तक नहीं भेजी। उनसे अभी भी रिक्वेस्ट है अगर वो बैठे हैं तो अपनी क्रेडेंशियल हमें सेंड कीजिए ताकि इनको उनका प्राइस मिल अच्छा, सके। मैं कहाँ पे आपको टेक्स्ट कर दूँ? जी, जी मैसेज जी कर आप दीजिए हीरा टेक्स्ट को, आप कर कर दीजिए। दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैं नेक्स्ट वीक कर सकती हूँ जी पार्टिसिपेट या जी नहीं? इट्स आप अ फुल देखिए, स्टॉप फॉर मी? नो नो, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप फॉर यू, इट्स नेवर अ फुल स्टॉप फॉर एनीवन। आप दोबारा आइए, तैयारी करके आइए एंड होपफुली अगली बार आप ऑलराइट हमें लूट ठीक के है, ओके, जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा जी, रिक्वेस्ट हमारे पास हैं मरजान खान। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप अपना कैमरा सॉर्ट कर लीजिए ताकि वी कैन स्टार्ट द कैश क्विज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आपका कैमरा वालेकुम अस्सलाम। डार्क है, प्लीज जी अपना मैंने लॉक कैमरा। किया हुआ है। अपना कैमरा प्लीज दुरुस्त कर लीजिए क्योंकि हम डार्क कैम्स पे या कैमरे के डायरेक्शन साइड पे करने से कैश क्विज में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। या आप लीव कर दीजिए या आप अपना प्रॉपर जो है वो कैम सेट कर लीजिए। शुक्रिया। ओके आप मास्क पहन के भी आ सकते हैं, ठीक है जी, या अगर मुंह छुपाना चाहें आपके लिए ऑप्शन हैं, ऐसा सच कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन आपको कैमरा फेस के सामने रखना पड़ेगा। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अगर हमारे पास कोई और रिक्वेस्ट है तो उस्मान प्लीज आप वो एक्सेप्ट कर लीजिए। जी, शहाब साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर ली है, थोड़ी सी देर में शायद वो हमारे साथ है। ठीक, आज मैंने धूमधाम से तैयारी की है। आपका हर सेशन इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच मरियम, आपको हमारा सेशन अच्छा लगा। वी आर ग्लैड, हम आते ही इसलिए हैं ताकि हम आपके लिए थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेस्टिंग बना सके। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, आप औरों को बताइए ताकि वो इससे फ़ायदा ले सके। जी ड्रॉप हो गए मेरे ख्याल में। मैं आज धूमधाम से तैयारी की है। आप रिक्वेस्ट कीजिए सुमी, हम आपको जरूर लेंगे। रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज। जी, और रिक्वेस्ट भेज के आराम से जो है ना मत बैठा करें ताकि स्क्रीन को देखा करें जब हम एक्सेप्ट कर लें तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा होते हैं या फिर डिक्लाइन कर दिए जाते हैं, तो दोबारा भेज दिया करें, हम दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? बहुत तैयारी करके आई थी लाइबा इब्राहिम और जी मजा आया जी ऐसे ही। अगर तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी मजा आएगा पूछ के और व्यूअर्स को भी मजा आएगा इंशाल्लाह। जनरली भी ये हाउ फाइव पे जाएंगे तो इनको वैसे भी वो पढ़ के और जो मटेरियल है वहाँ पे तो उसका भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। इनको जाना चाहिए, जो लोग अभी तक नहीं गए आप प्लीज जरूर जाइए। एक अच्छा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, वहाँ पर आपको काफी मटेरियल मिल जाता है और क्विज भी सारा जो हमारा होता है हम वहीं से आपसे पूछ रहे होते हैं, तो प्लीज आप देखिए, एक काफी अच्छा
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सिग्नल्स का इशू मुझे लग रहा है, काइंडली ड्रॉप कर लीजिए ताकि आपको दोबारा लिया जा सके। हाउ डू वी नो दैट आवर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड? जब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। मैंने पहले भी की थी रिक्वेस्ट। जी जी, इनकी एक्सेप्ट कर ली है मैंने रिक्वेस्ट, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गए इनके, आई थिंक सेकंड टाइम है वो ड्रॉप हो गए और इनके सिग्नल का थोड़ा सा इशू है। आप लोग जो भी हमें ज्वाइन करते हैं प्लीज अपना इंटरनेट सॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप जब यहाँ आते हो तो फिर आप लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज आप पहले अपना इंटरनेट सॉर्ट कीजिए और एक स्टेबल जगह पे बैठ के आप हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी स्मूथली अपना क्विज दे सकें और हम भी आपसे स्मूथली एक क्विज ले सकें। प्लीज जी, रिक्वेस्ट आप भेजिएगा। तब तक उस्मान आप इनको हाई फाइव के बारे में बता दें प्लीज। जी, सिलेबस के हवाले से बताए थे जो हाई फाइव, उसमें उसका जिक्र आ जाएगा क्योंकि सिलेबस तकरीबन हाई फाइव से ही है। ब्यूटी के अलावा क्योंकि ब्यूटी के जो ब्लॉग्स हैं जो आप प्रिपेयर करती हैं वो सीसेस पर फॉरम पे अपलोड कर दी जाती हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या CSS, PMS, या एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से जो भी हैं वो सारी चीज़ें हाई फाइव पर आपको मिलेंगी जो मौजूद हैं, और एक्सक्यूज के फॉर्म में ठीक है। एक रिफाइंड डेटा है, एक कॉम्पिटेंट टीम ने मिल के बनाई है, एमसीक्यूज के एक डेटा बेस है, तकरीबन 22 लाख का सवाल आते हैं उसमें, और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड हैं, तो जो कैटेगराइजेशन थोड़ी बहुत आपको नीड है जिसकी, तो वो आप जाके आराम से उसमें प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक क्विज की फॉर्म में खेल भी सकते हैं, एक मैरिज टाइम में 5 मिनट 10 मिनट फॉर एग्जाम्पल। तो ब्लॉक के साथ आप प्रेशर प्रॉपर एक इम्तहानी हॉल के हिसाब से आप जो है ना, आप प्रेशर भी टाइम प्रेशर भी होगा, और उस हिसाब से जब आप चलेंगे और क्विज खेलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने रिक्वेस्ट भेजिएगा, शेर साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुमी साहब बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, कल भी वो कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन इनकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे मौसूल नहीं हो रही। मस्जिद साहब कह रहे हैं कि सैयद काजिम अली, सर सैयद काजिम अली रिक्वेस्ट आई लव। शेर साहब आपको शायद कोई नोटिफिकेशन आए, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और सोनी आप दोबारा प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास बाकी तो रिक्वेस्ट हैं लेकिन आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही। और प्लीज आप लोग जो आपकी वन अमाउंट होती है आप हमें अपनी डिटेल्स भेजा करें, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट का या इस इनिशिएटिव का मकसद ही यही है कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें, हम आपको एक फन लर्निंग और एट द सेम टाइम एक इंटरेस्टिंग लर्निंग का तरीका हो जिससे आपको मदद मिले, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ दीज कैश अमाउंट्स, बट आपकी लर्निंग भी हो ताकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम ले इन द फ्यूचर तो आप उसको एस कर सके। तो यस, आप प्लीज़ जो आपकी वन अमाउंट है उसको क्लेम कर लिया करो, आप हमें इनबॉक्स कर दिया करो। कल भी टू पीपल आई गेस वन कैश और उन्होंने हमें क्लेम नहीं किया, दो वी वर वेटिंग कि वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, दे वुड आस्क फॉर जो उनकी अमाउंट है। अच्छा, इस हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैमरा अपनी खूबसूरत चेहरे की तरफ कर लीजिए ताकि हम आपको देख सकें प्लीज। सर मुझे पता नहीं चला। अच्छा ठीक है जी, जी प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चे अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से दे दीजिए, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना? My name is Shweb Niaz. I am from Raymond. And please can you wait दरवाजा बाहर नॉक हो रहा था, मैं खोला। आप लीव कर जाइए, आप हमें दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सवाल किया गया था कि ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था, आप आपने कैटफिश क्यों इनिशिएट किया गया, इसका थोड़ा सा आप बता दीजिए ब्रीफली। मैं तो पहले ब्यूटी क्विज का बताऊंगी क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है जनरली टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, और जैसे मैंने इनको पहले भी कहा था मुझे अच्छा लगता है कि मैं एड्रेस करूं जो प्रॉब्लम्स मुझे थी इन द पास्ट के वो कोई और फेस ना करे, जिसमें हाउ फाइव ने हेल्प की ताकि लोगों को एक ब्यूटी लिटरेसी आ जाए, उनको पता चल जाए हाउ टू यूज थिंग्स और कैसे एक प्रोडक्ट से वो द मोस्ट बेनिफिट कर सकते हैं। हाउ फाइव का बेसिकली इनिशिएटिव था इसलिए कि वो लोगों को एजुकेट कर सके, बट एट द सेम टाइम उनको एजुकेशन में फन लर्निंग लानी थी, उनको लोगों से उस तरीके से कम्युनिकेट करना था जिसमें लोग बेस्ट समझते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, लोगों को आना चाहिए, वो स्टडी करेंगे तो इट्स आई हैव नो टेक अवेज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। जो लोग देख रहे हैं, जो कॉमन पीपल है हु आर वॉचिंग दिस, जो पढ़ रहे हैं बी इट ब्यूटी कैश क्विज और बी इट कॉम्पिटिटिव लर्निंग, इट्स बेनिफिटिंग देम इन द लॉन्ग रन। तो जी इन लोगों को जरूर आना चाहिए, लिटरेसी होगी, जनरल नॉलेज इनकी बढ़ेगी अबाउट देयर कंट्री, अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट साइंसेस, अबाउट पाकिस्तान एंड सो मेनी ऑफ द अदर थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम ब्यूटी में भी हम लोगों को काफ़ी स्किन इश्यूज होती हैं जिसपे वी स्पेंड मनी लाइक एनी थिंग, तो यहाँ पर I'm trying to make a conscious effort with How Five के हम लोगों को वो ब्यूटी लिटरेसी दे सके ताकि दे शुड नॉट बी स्पेंडिंग सो मच ऑफ देयर मनी ऑन डर्माटोलॉजिस्ट्स एंड ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स टू फिक्स द प्रॉब्लम्स दैट दे देमसेल्व्स हैव क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने मैसेज करके पूछा था, आई वाज रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे सबके सामने एड्रेस करनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम सबको होती है। लाइक शी आस्क्ड मी इफ इट्स ओके टू पॉप पिम्पल्स, नो इट्स नॉट ओके टू पॉप पिम्पल्स, लाइक क्योंकि जब आप अपने पिम्पल्स पॉप करते हो तो मे बी देर इज अ वेरी बिग चांस कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर दो, स्किन डैमेज होगा तो आपको स्कारिंग होगी, तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट योर सेल्फ। अगर आप कर रहे हो खुद तो मेक श्योर कि आप अपने जो टूल्स यूज करते हो उनको सैनिटाइज करो, आप ग्लव्स पहनो और आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो बैक्टीरिया पेनिट्रेट होगा और फिर आपको स्किन इश्यूज होंगे एंड आपका जो एक्ने है वो वर्स हो जाएगा। तो प्लीज डू दैट, आप कोशिश कीजिए अव्वल तो कि आप अपने पिंपल्स को खुद पॉप ना करें, अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू कीप दी स्टेप्स इन माइंड कि हाउ शुड यू बी डूइंग इट। ये तो सिर्फ ब्यूटी के हवाले से था ना, कॉम्पिटिटिव हो गया जो फॉर एग्जांपल सीएस के स्टूडेंट्स हैं, बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा वन टेबल कमीशन के एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जो हाउ फाइव में डेटा है फॉर एग्जांपल, जो फिट है फॉर एग्जांपल, या डेटा किस नोयत का है और टीम उसके पीछे जो एफर्ट है, जिस टीम के एफर्ट है, थोड़ा सा बता दीजिए। उस्मान आपको ना थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। अब आ रही है मेरी आवाज जी? ये तो थोड़ा ब्यूटी के हवाले से हो गया, थोड़ा कम्पिटिटिव स्टूडेंट है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का बच्चा है वो भी थोड़ा सा क्यूरियस भी होंगे थोड़ा सा हाउ फाइव के बारे में, तो उनको उसके बारे में प्लीज बता दीजिए कि हाउ फाइव ने कम्पिटिटिव जो एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल सी एस एस बी एम एस हो गए या वन पेपर कमीशन एग्जाम के स्पेशली जो 50-60 लाख बच्चा अपेयर होता है, तो उनके लिए ये कैसा इनिशिएटिव है और कैसे उनको फ़ायदा है और कैसे ठीक द आइडिया और द रैशनल इज द सेम कि उनको लोगों को एजुकेट करना है, इट्स जस्ट कि मैंने एक एरिना की बात की क्योंकि हाउ फाइव इज एन अम्ब्रेला जो फिगर है हमारे लिए, इट्स ट्राइंग टू फैसिलिटेट पीपल इन
डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. मैंने ब्यूटी की बात की, जैसे ब्यूटी लिटरेसी पे ये लोग काम कर रहे हैं, द सेम वे दे आर वर्किंग ऑन के स्टूडेंट्स को वो प्रिपेयर करें इन अ फन वे फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कोई भी एनी एग्जामिनेशंस, जिसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी एमसीक्यूज मौजूद होते हैं जिसकी एक रैशनल एक्सप्लेनेशन दी जाती है. जैसे मैं आप इनको यहाँ गाइड कर रही हूँ कि व्हाई शुड दे डू अ सर्टेन थिंग एंड व्हाई शुड दे नॉट डू अ सर्टेन थिंग. वहाँ पर हाउ फाइव पे द सेम दे आर डूइंग इट द सेम वे, वो एक एमसीक्यू होता है, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई इज दिस अ सर्टेन वे. तो बहुत सारा मटेरियल आपके पास मौजूद है, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो टू हाउ फाइव, आप याद कीजिए. इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप कैश क्विज में अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक आपकी साइमल्टेनियसली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होगी. तो इट्स बेसिक नॉलेज जो लोगों का है वो इम्प्रूव करना है. इसके अलावा अगर मैं फैकल्टी की बात करूं या दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग जो हाउ फाइव के साथ काम करके दे आर प्रिपेयरिंग दीज एमसीक्यूज, तो इट्स नॉट जस्ट अ डेज वर्क, बहुत ही हार्ड वर्क पीछे है इसके. पीपल आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट के वो ये एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें, प्रिपरेटरी मटेरियल बनाए और फिर वो आफ्टर थॉरो चेकिंग एंड री चेकिंग वेबसाइट पे अपलोड होता है. तो वहाँ पर एरर का जो एक वो फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि इट्स नॉट रिविजिटेड वंस, इट्स चेक्ड एंड री चेक्ड एंड री चेक्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज तब तक जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते कि ये मटीरियल अपलोडेबल है. तो जब लोग बुक्स लेते हैं तो बुक्स में अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि एडिटर्स इतने थॉरली उससे गो थ्रू नहीं होते, वो जस्ट दे पब्लिश इट एंड ठीक है गलत है वो स्टूडेंट्स का दर्द सर है, द एडिटर और द पब्लिशर हैज नथिंग टू डू विद इट. तो आप हाउ फाइव पे जाइए, आपको वहाँ बुक से किसी भी बुक से, हाउ फाइव इज बेटर देन 50 बुक्स एक साथ बिकॉज वी हैव मोर देन 5 लाख एमसीक्यूज जो कोई बुक कवर नहीं कर सकता. तो इतने ज्यादा बुक्स लेने से अच्छा है आप जाइए हाउ फाइव पे, वहाँ मिस्टेक्स नहीं होंगी और वहाँ आपको बहुत ज्यादा डेटा एक ही जगह मिल जाएगा. तो आपके जो लर्निंग चांसेस है और प्रॉपर लर्निंग चांसेस वो काफी इंप्रूव हो जाते हैं. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. और स्पेशली बात करें अगर हम वन पेपर कमीशन एग्जाम की, जो सर मैंने पहले कहा कि फॉर एग्जांपल 50 से 60 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पाकिस्तान का, वो इसमें अपेयर होते हैं. और अनफॉर्चुनेटली एक तो अब जैसे आपने बात की मटीरियल की, फॉर एग्जाम्पल जो बाजार से या बाजार में जो शॉप्स में बड़ी बड़ी मटीरियल हैं डिफरेंट टाइटल से चपता है, सेम वही 10-15 साल पुराना डेटा और डेटा भी जो है वो स्क्रैप किस्म का एक चपता है, तो जो किसी फायदे का तो है नहीं. अगर होता तो फॉर एग्जांपल अभी तमाम लोग उधर सरकारी जॉब्स में बैठे होते हैं, इसलिए वो फिर दर दर की खाक जान रहे होते हैं. हमारे पास मजदूर साहब हैं तो उनके आने तक मैं कंटिन्यू करूँगा. तो आप वन पेपर कमीशन की बात कर रहे हो तो देखें, एक तो मटेरियल की बात थी, चलें इनको ले लेते हैं फिर बीच में कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. आपका नाम? हमजा शाह. कैसे हैं हमजा शाह साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. कैश क्विज का आपने कहाँ से सुना? ये अभी मेरा एक भाई है मुझसे बड़ा जी, तो उससे मुझे पता चला इस बारे में. आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं? जी जी बिल्कुल. अच्छा, जबरदस्त. कैश क्विज स्टार्ट करें आपके साथ? जी बिल्कुल इंशाल्लाह. अच्छा, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान का कल्टीवेटेड टोटल एरिया है, जो कल्टीवेट काश्त की जाती है, वो कितना कितना है टोटल के हिसाब से? ठीक है जी, 0.35, 0.45, 0.55. ठीक है, चलें आप नेक्स्ट ये सवाल स्किप कर देते हैं. ठीक है जी, सवाल शायद आपके लिए थोड़ा सा. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल. ठीक है जी, ये बताइए कि अल्जीरिया का नाम सुना होगा, उसका कैपिटल बता सकते हैं? ऑप्शन दूँ आपको? ऑप्शन ले जरा. अल्जाइर्स,
बंजुल, परथुम, बुजम्बुरा, अजहर। जी करेक्ट, फिर आप काउंट कीजिएगा ठीक है। जी 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 सवाल है 60 सेकंड में। अच्छा जी आप बताइए अंगोला का कैपिटल कौन सा है, कंपाला, लुआंडा, बिंजोई, अल्जाइर्स? अंबाला। कंपाला? आप कंपाला के? कंपाला रॉन्ग है जी, इसका जो सही जवाब है लुआंडा है। ठीक है जी, अंगोला का कैपिटल लुआंडा है। ठीक है, लुआंडा मैं समझा पियो गांडा के। जी लुआंडा है। ठीक है जी, अच्छा आपका लास्ट क्वेश्चन भी आपसे कर लेते हैं, सेगमेंट खत्म हो गया लेकिन आपसे सवाल करेंगे हम। ठीक है, बेनिन का नाम सुना होगा, बेनिन कंट्री है, उसका कैपिटल आप बताइएगा। ठीक है जी, बेनिन, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बेनिन आवाज बहुत कट कट के आ रही है। बेनिंग, बेनिंग कंट्री आप पूछ रहे हैं? जी बेनिन, BENIN। ठीक है, कैपिटल उसकी कैपिटल आप बताइएगा। कैपिटल साउथ टॉम, बंजुल, पोर्टोनोवो? बालजोल। नहीं जी, पोर्टोनोवो। ठीक है जी, पोर्टोम, पोर्टोनोवो। आपको वैसे याद तो रहेगा, सेगमेंट अगर आप जीते ना जीते लेकिन आपको ये इंशाल्लाह याद रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यही मकसद है आपका बिल्कुल कैश पेस का। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, और आते रहिएगा एवरी सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुएब साहब आप क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, सही, ओके जी, ओके। शुएब साहब दोबारा आए हमारे पास नॉक का जवाब देकर। कैसे हैं जी शुएब साहब? आप सुना है सर? आप सुन रहे थे? अच्छा आप क्रॉस कर लेंगे हमारे टेबल पर कृपा से जो भाई हैं। अच्छा चेक कर रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा हैंग हुआ हुआ है। ओके जी, ओके, आराम से। अच्छा आपसे कैश की स्टार्ट करते हैं शुएब साहब, आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है जी, यस सर। अच्छा जी आपका पहला सवाल है, आप कौन सी क्लास में? मैं थर्ड, लगे थर्ड ईयर चल रहा मेरा। क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा जी केमिकल इंजीनियरिंग में। चलिए जी आपसे एक कैपिटल्स में से पूछ लेते हैं। बोट्सवाना का नाम सुना है कंट्री? बोट्सवाना जी, किसका सर? बोट्सवाना। नो सर। श्रीलंका का नाम सुना है? किसका? श्रीलंका। यस सर, वो सुना है। उसका कैपिटल पता है आपको? यस सर। बताइए जी, बताइए। यस सर, कैपिटल बताइए उसका। लंबो। हेलो, श्रीलंका का कैपिटल बताइए। कोलंबो सर। जी बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश का कैपिटल बताइए। ढाका। इंडिया का? इंडिया का न्यू दिल्ली। जबरदस्त, फर्स्ट सेगमेंट आप जीत चुके हैं। ठीक है जी सर, एक सेगमेंट आपका खत्म हो गया। ठीक है जी, मेरा इनको जरा सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जाता हूँ। जी आपका हर सेगमेंट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसपे आपकी अमाउंट, फर्स्ट सेगमेंट के आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसकी अमाउंट 100 है, और ये जैसे ही सेगमेंट दूसरा आता जाएगा अमाउंट डबल होती जाएगी। ठीक है, हर सेगमेंट के आखिर में हम आपसे पूछेंगे वेदर यू वांट टू क्विट और आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर इफ़ यू से कंटिन्यू, अगर आप क्विट करते हो तो आपकी जो बॉन अमाउंट है वो आप ले जाते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू और आप दूसरा सेगमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको हाफ द अमाउंट मिलेगी जो आपने जीती है। इज इट क्लियर? ठीक, तो आपका फर्स्ट सेगमेंट पूछिए। उस्मान
जी सर, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें फिर? यस सर, चलें। अच्छा जी, ये बताइए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड? सॉरी सर, जूलॉजी। जूलॉजी, साइंटिफिक बोटनी सर, बोटनी। बोटनी, बोटनी। आपको अगर दिक्कत हो ना तो आप हमसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, हम ऑप्शन बताते होते हैं, ठीक है? फिर आप काउंट कीजिएगा, चार सवालों के जवाब उन्होंने दे। सेकंड में हम थोड़ी सी लीनियंसी शो करेंगे वक्त में, ऊपर जब हार्ड होगा तब हम आप पे जो है ना वक्त की जो है ना टाइम कंस्ट्रेंट्स डाल देंगे, ज्यादा कर देंगे, ठीक है जी? ये बताइए कि ग्रेटेस्ट ज्योग्राफर ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी कौन थे? नाम मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हारूत, याकूत, मालूत, नन ऑफ दीस। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा स्टेटमेंट। बड़े ज्योग्राफर थे ना अब्बासिड डायनेस्टी के, वो कौन थे? हारूत, याकूत, मालूत, नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस। अच्छा, चलिए एक दफा और सोच लें, ये नहीं है, तीन में से आप बताएं। ऑप्शन रिपीट कीजिए। कुछ इंग्लिश में से पूछ लेते हैं, इंग्लिश में आपसे पूछे या यही कंटिन्यू करें? शुएब साहब, शुएब साहब, आपकी आवाज जी, आपसे इंग्लिश में पूछें या यही कंटिन्यू करें? नहीं, मर्जी आपके सर। अच्छा चले, फिर हमारी मर्जी है, आ जाए फिर। ठीक, मैं आपको तीन सेंटेंसेस बताऊंगी, आप मुझे बताइए कि इसमें से एल्स क्या है, इज इट एन एडजेक्टिव एंड वी शुड वॉक एनीवेयर एल्स, इसमें एल्स क्या है? ऑप्शन देंगे या नहीं? ऑप्शन दे देंगे प्लीज। Is it an adjective? Is it an adverb? Is it a conjunction? Conjunction. We should walk anywhere else. Anywhere बताना है, else बताना है। Sorry. में से option कौन सा बताना है? Anywhere या else? इन दोनों में underline कौन सा? Else बताना है। I ask you what is else in a sentence. तो आपने मुझे else बताना है कि ये function क्या है इसका? It's an adverb. It's an adverb. तो ये round qualify नहीं कर पाते हैं। आप जी इनसे दूसरी बार last question कर लेते हैं, ठीक है जी? एक question English में और कर लें और इनको थोड़ा सा फिर बता भी दीजिए कि ये conjunction क्यों नहीं है, थोड़ा सा 10-20 seconds में, ठीक है जी? एक question और कर लें इनसे English में। ठीक, अब आप मुझे डाउन बताइए, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है? शी बेंट डाउन टू पिक अप हर कीज, शी बेंट डाउन टू पिक अप हर कीज, ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है? Sorry? It's a verb. नहीं, it's an adverb. It's an adverb. वैसे आपको हमारा quiz कैसा लगा? नहीं, आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा, आपके connectivity थोड़ी सी issue है, तो I can't hear you clearly. आप बताना चाहेंगे बाकी सबको कि आपको कैसे लगा? जी मैंने कहा काफी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी प्लेटफॉर्म है। जी जी, आपने तैयारी की थी हमारी वेबसाइट से? जी, चलिए आप अगली बार जरूर आइएगा, अगले सैटरडे संडे हम फिर लाइव आएंगे, आप दोबारा आइएगा और अच्छे से तैयारी करके आइएगा। मटेरियल ऑलरेडी हाउ फाइव पे है एंड इंशाल्लाह यू विल विन नेक्स्ट टाइम। All the best. But yes, credential का कह दीजिए। मेरा जी जी, अपने जो आपके details हैं आप हमें भेज दीजिए। जी सर। Cash के लिए, ठीक है जी, जो आपकी price है ना वो आपके जो details हैं आप हमें भेज दें।
मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? आपको आवाज आ रही है सर? मतलब रुक रुक के आ रही है। देखें आप अपने जो मोबाइल नंबर है ना वो हमें भेज दें, अपने मोबाइल नंबर हमें भेज दें इंस्टाग्राम पे मैसेज में, ठीक है जी? अपना नाम लिख कर, ठीक है सर? आपको आपका प्राइस उस पर भेजेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके हो गया, बहुत शुक्रिया, आपका इंतजार रहेगा आपके मैसेज का इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे पास और रिक्वेस्ट हैं उस्मान, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप जल्दी से ले लीजिएगा जी। हमारे पास हैं पवन, रोटा डेरो, आदर चाचू, रिक्वेस्ट तो काफी हैं, इनमें से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अल्लाह का नाम लेके चूज करते होते हैं। आप लोग माइंड ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं स्क्रॉलिंग करके जो सामने आ जाते हैं। पहली दफा आया हूँ क्योंकि अभी मैं FIA की प्रिपरेशन के लिए हाउफा ज्वाइन किया, उसमें आपका ऐड आ गया। अच्छा, अच्छा। मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की, सीधा आ गया हूँ, देखते हैं। जी जी जी, हसन साहब कह रहे हैं कि हाउफा का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये सामने बिल्कुल एप्टली आस्क क्वेश्चन है जी, ये हमारे सामने बैठे हैं, ये भी हैं और ये खुद ये भी फरमा रहे हैं। अच्छा जी, आपसे कैश पे स्टार्ट करें हम? जी जी, इंग्लिश में से पूछते हैं, ठीक है? आपसे एंटोनिम बताइएगा इस लफ्ज का। इंग्लिश में तो मैं बहुत वीक हूँ, इंग्लिश में तो मैं बहुत वीक हूँ। चलिए जी, जीके में चले जाते हैं, ठीक है? कैपिटल्स में से पूछते, थोड़ा बहुत मैथ से पूछे अगर कोई इक्वेशन वगैरह हो। एक्चुअली मैथ्स अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, GSA है लेकिन उस नियत का नहीं है। आप मैथमेटिक में कोई डिग्री करके बैठे हुए? नहीं, डिग्री तो कोई भी नहीं है, बस थोड़ा अच्छा लगता है सब्जेक्ट क्योंकि मैं पेशे से शॉपकीपर हूँ। अच्छा जी, इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, फुल मैथमेटिक्स का सेशन रखेंगे, अभी सिर्फ जनरल साइंस। जी ट्राई तो करूंगा जी, क्या मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे? जी ये बताइए, हेलो आवाज आ रही है? जी जी सर, जी आवाज आ रही है, कट कट हो रही है, पता नहीं क्यों। जी जी, आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सवाल आप तक पहुँच। जी सर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है जी? उसका कैपिटल बताइएगा हमें। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर, ऑप्शन बताएं। योंडे, वागाडोगू, अल्जायर, बांग्वी। सर कैन यू रिपीट द ऑप्शन? योंडे, वागाडोगू, अल्जायर, बांग्वी। आप ABCD करके, 1, 2, 3, 4 करके, या पहली आखिरी करके कुछ भी हमें बता सकते हैं कि ये ऑप्शन, ठीक है? सर सर रिपीट करें ऑप्शन। योंडे, वागाडोगू, अल्जायर, बांग्वी। सर जो चौथा है ना, चौथा पर बांग्वी ना, चौथा क्लिक कर दूं? जी सर, वो जी सर अंदाजा वो लग रहा है। जी जी ठीक हो गया, यही है, ठीक है जी, करेक्ट। अरे सही है, चैड का बताइएगा। चैड है एक साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, उसमें कंट्री है, ठीक है जी? चैड, CHAD कंट्री है, इसका कैपिटल बताइएगा। ये ऑप्शंस हैं जमेना, लुआंडा, बुजुम्बरा, प्राइया। क्या क्या सर? आप इधर देखिए मेरी तरफ, अब बताएं जी सर। आपके पास है ना, आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है जी? आपने टाइम नहीं जाया करना, ओके? मैं रिपीट करता हूँ जी, जी जमेना, लुआंडा, जुम्बरा, प्राइया। सर फोर्थ है, फोर्थ मेरे ख्याल से प्राइया। नहीं, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट है जमेना, ठीक है जी? जमेना, ओके, याद रहेगा आपको। जी सर ट्राई तो करूंगा, ऑनलाइन आपने पूछा है, नहीं आया तो ये तो शॉक्ड मूवमेंट है ना। नहीं लेकिन आप गूगल तो करेंगे ना जाके कि मैं क्या किस वजह से हार के आया हूँ। सर बिल्कुल ट्राई करूंगा, ठीक है जी? आपका सेगमेंट आप हार चुके हैं, लेकिन आपसे एक सवाल मैं और करूंगा, इस सेगमेंट में 3 सवाल हैं, तो सेगमेंट आप पूरा कर रहे होते हैं जी, ताकि सवाल, क्योंकि वो जो इलम है ना, जी,
मजा है। नो इशू सर, पूछे जी जी। थैंक यू सर। आपसे मैं पूछता हूँ, एक और कैपिटल आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, इजिप्ट का कैपिटल बताएं, आसान है। इजिप्ट का सर ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बताना चाहिए लेकिन चलिए बताया था सर। सर ऑप्शन बताएं, वैसे पक्का कंफर्म नहीं है ना। अच्छा चलिए मैं बताता जाऊंगा और आप हाँ या ना बताएंगे, ठीक है। दिल्ली जी, नहीं बाकी बात है। इस्लामाबाद नहीं सर, दिल्ली नहीं है सर। ये मैंने आज ही पढ़ा था, कोई ये जो अपनी हिस्ट्री थी आज ही मैंने गूगल करी थी। मेरे ख्याल से कोई कैरो है शायद, कैरो CARYO कैरो, कैरो इजिप्ट। उसकी मेरे ख्याल से कुछ चीजें मशहूर भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, कायरो है, बिल्कुल जबरदस्त। आप जब सेगमेंट हार जाते हैं ना तो उसके बाद आप कमेंट्स की तरफ भी देख सकते हैं, कमेंट्स में भी लोग मदद करने के लिए बहुत सारे बैठे हुए सर। अगर मदद करनी सर, एक बंदा जब खुद सवाल देने हैं तो वो मदद तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं ना। अगर ऑप्शन में मिल जाए तो वो ठीक है, उसमें हम गैस कर लेते हैं अंदाजे के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट कैश पीसेस मेंशन ऑन स्क्रीन भी आपके सवाल देंगे, ऑन स्क्रीन आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे। हम कोशिश करेंगे विद इन दिस मंथ ये ऑप्शन हम लेके आए इस तरह इंस्टाग्राम में, तो आपको और ज्यादा आसानी होगी, बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा तो बखूबी जो है ना हम जाएंगे ऊपर, ठीक है जी। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। वैसे इनको ना सर, हमें सर क्या मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकता हूँ? जी जी आपसे बात होगी अभी, लेकिन कैश फीस का टाइम है और ये बहुत सी रिक्वेस्ट है, तो अगर आप मुनासिब समझे तो चलो चलो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सैयब साहब की एक्सेप्ट की गई है, आप बंद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तैयब प्लीज आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हम ये क्विज शुरू कर सकें प्लीज। सर माय नेम इज तैयब शाह, आई बिलोंग टू केपीके and I recently do civil engineering from Sikar University Peshawar. ठीक, जबरदस्त जी। आपसे अंग्रेजी में स्टार्ट लें हम? सर उर्दू में स्टार्ट लें। नहीं नहीं मतलब सवाल इंग्लिश में से करूं आपसे? सर जिस सर आपको मुनासिब लगे सर। अच्छा चलिए बताइए, इनसे डायरेक्टली 200 का सवाल पूछ लें, डायरेक्टली हम इनसे 200 का पूछ लेते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप उसमें से प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई कर दीजिएगा आप, ठीक है। व्हाट इज डाउन इन अ सेंटेंस, व्हाट इज डाउन इन अ सेंटेंस, शी बेंट डाउन टू पिक अप हर कीज। आपका फर्स्ट, आप मुझे बताते जाइएगा कि इसमें डाउन क्या है। She bent down to pick up her keys. इसमें down क्या है? Down जो है ना ये तो option preposition है. She bent down to pick up her keys. जी मैम। यहाँ पे is it an adverb, a preposition, an adjective or a noun? It's मैम a preposition. आप दोबारा कोशिश कीजिए, इट्स नॉट अ प्रीपोजिशन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, इज इट एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव और अ नाउन? मैम आई थिंक प्रीपोजिशन है। नहीं इट्स नॉट अ प्रीपोजिशन। उस्मान इससे किसी और सेक्शन से पूछ लीजिए प्लीज। मैम मैथमेटिक्स के बारे में पूछ लेना। मैथमेटिक्स हमारे सेक्शन में इंक्लूड ही नहीं है, हमने थैंक यू सो मच, आप अगले बार फिर आइएगा। थैंक यू, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। आप और एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट उस्मान जी, मैं रैंडमली एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ, थोड़ी सी गिल्टी भी फीलिंग होती है क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट्स हैं,
तो हमारे व्यूअर्स कहेंगे कि एक्सेप्ट करने के लिए क्या नाम बताएं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अपना नाम बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। मैम माय नेम इज अजहर अमन, बेसिकली आई एम फ्रॉम द सिंध रूरल साइड कंबर शदादपुर डिस्ट्रिक्ट एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह। अच्छा जी आपसे सवाल करूं पहले सेगमेंट 3 सवाल होगा ठीक है जी? जी सर करें सवाल। जी सर इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ, सवाल सुना आपने? नहीं सर रिपीट काइंडली। इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स, लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, रेडियो वेव्स थ्रू एयर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री। ऑप्टिकल फाइबर सर, ऑप्टिकल फाइबर। हां असल जवाब है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री, लेकिन आपसे मैं दूसरा सवाल कर लेता हूं ठीक है, थोड़ा सा लंबा था। जी सर। जी सर कोई और सवाल कर लेता हूं। ये लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ द सेम अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी आर नोन एज आइसोहाइट्स, आइसोहेल्स, आइसोसिस्मिक। आप तक आवाज आ रही है हमारी? सर मेरे ख्याल में नेट का इशू है थोड़ा, काइंडली। जी सर अभी आ रहा है, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करिएगा। नेट का इशू है। अच्छा आपसे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, आपकी टाइम भी फिर उड़ जाते हैं। अभी पिछले उसमें भी सवाल किया था, आप बताएं इजिप्ट का कैपिटल क्या है? दोबारा पूछ लेते हैं। कायरो। कायरो सर। जी बिल्कुल। और हेलो आप तक आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आवाज आ रही है आपकी। एरिथ्रिया का कैपिटल बताइएगा। एरिथ्रिया ऑप्शन बताता हूँ आपको, प्राइया। जी सर। जमीना, असमारा, एकड़ा या एकड़ा। दोबारा तीन में से आप चूज करके बताएं। चले ये माफ है। जी सर रिपीट करिएगा ऑप्शन काइंडली। प्राइया, जमीना, असमारा, एकड़ा। असमारा। जी बिल्कुल दुरुस्त है। दो सवाल आपके ठीक हो गए ठीक है, इस सेगमेंट में एक सवाल आपका रहता है जो आपके आपको ठीक करना है ठीक है, इसको जीतने के लिए। अच्छा इथोपिया का कैपिटल बताना है आपने ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। इथोपिया अफ्रीका में। जी सर। याउंडे, एडिस अबाबा, अकरा, असमारा। एडिस अबाबा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल दुरुस्त, आप इस सेगमेंट जीत चुके हैं ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में आप अगर जाना चाहते हैं तो उसका जो असूल या रूल ये है कि आप अगर वो हारते हैं तो आपकी ये जो अमाउंट है जो 100 रुपीज आप जीत चुके हैं ये हाफ आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे आप गिव अप कर दें और गिव अप करके चले जाते हैं तो आपको पूरी अमाउंट मिलेगी ठीक है। आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट फेज के लिए सर? जबरदस्त जी बहुत जबरदस्त। चले जी आपसे इंग्लिश में पूछते हैं, एंटोनिम बताइएगा अबंडन का, एंटोनिम ठीक है जी, अल्फाज से कहते हैं रिटेन होगा सर। अबंडन तो मतलब के टू गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना। बिल्कुल दुरुस्त है जी सर, रिटेन होगा। अच्छा नेक्स्ट आपके दो सवाल हो, एक सवाल हो गया ना इस सेगमेंट मेरा? जी सर एक सवाल। अच्छा तीन सवाल आपके और रहते हैं इस सेगमेंट में ठीक है जी। एंटोनिम बताइएगा स्ट्रिडेंट या स्ट्राइडेंट का, STRIDENT ठीक है, जिसका एंटोनिम स्टेबल, प्लेजेंट, म्यूजिकल, मेलोडियस। स्टेबल सर। चलिए दोबारा आपको दोबारा ऑप्शन देते हैं, स्टेबल नहीं है, आप तीन में से बताएं, प्लेजेंट, म्यूजिकल, मेलोडियस, एंटोनिम बताना है स्टूडेंट का। म्यूजिकल सर, तुक्का है बस। यार ऐसा तो ना करें, आप दोबारा आपको दो में दूंगा तो अगर उसमें भी ठीक ना किया फिर क्या होगा।
चलिए आप दो में से बताएं, आप दो में से बताएं, स्ट्रेडेंट कैंटर ने बताना है प्लेजेंट या मेलोडियस। मेलोडियस बस आपकी आज तक नहीं है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम पढ़ के आएंगे। इसका जो एंटोनिम है ना करेक्ट वो है प्लेजेंट। ठीक है जी, प्लेजेंट। ठीक है सर, तो बहुत शुक्रिया आपका और okay. मजा आया आपको। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये आपका प्लेटफॉर्म मिलाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी यहाँ से, जो हम अभी वन पेपर जी सर जो अभी हम वन पेपर के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा मवाद मिलेगा और अच्छे मतलब के जो मटेरियल मिलेगा, हम इंशाल्लाह जो वन पेपर के पेपर एग्जाम होते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ये जो आप कैश फीस की बात कर रही हैं, टिप ऑफ एन आइसबर्ग पर के, ठीक है जी, ये तो एक घंटा दो घंटे ज्यादा हम जोर लगा के आ जाते हैं, ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। आप ऑफर पे जाइए, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक मटीरियल है। आपने वन पेपर की बात की तो आप लाजमी वहाँ रेंट कीजिएगा, आपको बहुत मटीरियल मिल जाएगा वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सर, जरूर जाएंगे। अभी देखे स्टूडेंट का एंटरनेम इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। जी सर थैंक यू, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे अब। ठीक है जी, और आते रहिएगा एवरी सैटरडे संडे इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह जरूर सर प्रिपरेशन प्रिपरेशन करके आइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप लीव कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये क्रॉस का बटन दबाइए जो साइड पे, बहुत शुक्रिया। ठीक उस्मान, हमारे पास और रिक्वेस्ट्स हैं। जी रिक्वेस्ट हैं, ये रियाज साहब को ले लेते हैं, आखिरी हमारे पार्टिसिपेंट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक अगर हमारे पास रिक्वेस्ट ज्यादा हैं उस्मान, तो हमें टाइम थोड़ा सा आज के लिए हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग प्यार दिखा रहे हैं और वो आ रहे हैं इस उम्मीद से कि वो क्विज में पार्टिसिपेट करें, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं टाइम को। जी 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 जरूर जी, आप फरमाइए आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम रियाज अली है और मैं सक्कर से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है रिसेंटली शाहबुद्दीन यूनिवर्सिटी से खैरपुर से। अच्छा, जबरदस्त जी, किस फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन, एरिया कौन सा आपका स्टडी का? बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स। सब्जेक्ट्स बता सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स? सर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामियात, इस्लामिक कल्चर, सिंधी और है आखिरी एक एक और भी है, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक कल्चर, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। ठीक है जी, आपसे इंग्लिश में सवाल कर लेते हैं। ठीक है जी, एंटोनिम बता सकते हैं हम अगर आपसे पूछें? आप इंक्विजिटिव का एंटोनिम बताइए जी। मुतजाद, ठीक है, मैं मुतजाद में पूछ रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्फाज मुतजाद जिसे कहते हैं उर्दू में। एंटोनिम बताइएगा इंक्विजिटिव का, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, इंट्रूसिव, कोऑपरेटिव, अनसिंपैथेटिक, इंडिफरेंट। इंक्विजिटिव का पहले वर्ड बताएं कौन सा, इंक्विजिटिव किस वर्ड का था? इंक्विजिटिव, ठीक है, ऑप्शन बताएं, इंट्रूसिव, कोऑपरेटिव, अनसिंपैथेटिक, इंडिफरेंट। ऑथमेटिस्ट है सर जी, आवाज आ रही है? ऑथमेटिस्ट ऑप्शन वो है, ऑप्शन थ्री है, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री था अनसिंपैथेटिक। मैं रिपीट करूंगा, आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं जी? अनसिंपैथेटिक ऑप्शन आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, वो लॉक कर दी। अच्छा चलिए, ये तो नहीं है, आप तीन में से आप बताइएगा, इंट्रूसिव, कोऑपरेटिव और इनडिफरेंट, इनमें से कौन सा है? वो नहीं था जो आपने बताया। अच्छा वो नहीं था, तो आखिरी है इनडिफरेंट, ऑप्शन आखिरी जी। जी बिल्कुल ऐसा ही दुरुस्त है। ठीक है जी, आपका एक सवाल ठीक हो गया, इंक्विजिटिव का एंटोनिम है इनडिफरेंट, ठीक है, याद रखिएगा इनडिफरेंट। चलिए ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछते हैं, रिप्रिमांडेड इसका मुतजाद या एंटोनिम हमें बताइएगा, रिप्रिमांडेड, रिमांडेड, रिप्रिमांडेड,
रिप्रेमेंडेड ठीक है. ऑप्शंस हैं रिब्यूक्ड, प्रेज्ड, एडमोनिश्ड, शाउटेड. दोबारा बताएं सर जी. रिब्यूक्ड, प्रेज्ड, एडमोनिश्ड, शाउटेड. क्या मेरी आवाज शाउटेड सर? जी जी नहीं यार, कभी कभी आवाज नहीं आ रही है आपकी. नहीं कभी कभी नहीं आ रही है. आपकी ना कनेक्टिविटी इशू है आपके पार्ट पे, क्योंकि आपका ना फोन थोड़ा सा इंटरनेट आपका स्टक हो रहा है. रियाज साहब नहीं मेरा. जी जी सर सही है, कनेक्शन तो सही है, बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल सही है. ठीक उस्मान आप जी जी आप उनसे दोबारा पूछ लीजिए. रिप्रमांडेड का आप मुझे सवाल दोबारा करें. जी जी सवाल बताएं सर. रिप्रमांडेड का ऑप्शन भूल गया मैं. रिब्यूक्ड, प्रेज्ड, एडमोनिश्ड जी और शाउटेड. एडमोनिश्ड सर. एडमोनिश्ड 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 जी 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 नंबर थ्री आखिरी शाउटेड है जी. शाउटेड सेलेक्ट कर लूं. मैं समझा नहीं क्या कह रहे आप. शाउटेड नहीं जी, शाउटेड नहीं है, लेकिन चले आप मुझे बताएं. आप मुझे बताएं. मैं कह रहा हूँ नंबर थ्री है. नंबर थ्री एडमोनिश्ड. नंबर थ्री एडमोनिश्ड जी. नहीं नहीं जी, एडमोनिश नहीं है, लेकिन चले आप तीन में से बताएं. रिब्यूक्ड, प्रेज्ड, शाउटेड, इनमें से कौन सा है रिप्रमांडेड का एंटोनिम? तो फिर रिव्यूड होगा. रिब्यूक्ड होगा. रिव्यूड रिब्यूक्ड यही है. अच्छा नहीं आवाज नहीं आ रही सही आप लोगों की, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, क्योंकि हेडफोन नहीं है मेरे पास. अच्छा रिब्यूक्ड सेलेक्ट किया आपने. जी जी रिब्यूक्ड भी गलत है. हाँ रिब्यूक्ड सही किया आपने. रिब्यूक्ड भी गलत है, लेकिन आप चलिए दो में बताइए. अच्छा सर चलिए दो में बताइए अभी. प्रेज्ड है या शाउटेड है? प्रेज्ड होगा. शाउटेड ऑलरेडी आपने बताया नहीं है. जबरदस्त आपकी मेमोरी अच्छी है माशाल्लाह मेरी तरह. चलिए आपके दो सवाल ठीक हो गए. ठीक है जी. मेटिकुलस का एंटोनिम बताइएगा. मेटिकुलस. मेटिकुलस ठीक है. स्लोवेनली. ऑप्शन बताएं. स्लोवेनली, मेरिटरीशियस, शेगी, म्यूचुअल. इसका क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है. जी जी मैं सब ऑपोजिट्स में से पूछ रहा हूँ. ठीक है जी मैं मुतजाद में से पूछ रहा हूँ. मेटिकुलस का बताइए मुतजाद. स्लोवेनली मेटिकुलस का मुतजाद नंबर थ्री सर. शेगी. शेगी सेलेक्ट करें. चलें ये तो गलत है, लेकिन तीन में से बताएं. म्यूचुअल, मेरिट्रीशियस, स्लोवेनली. स्लोवेनली कर ले बस. स्लोवेनली. जी जी बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. कितने सवालों के जवाब आपने ठीक कर दिए? इन तीन सवालों के जवाब इन्होंने दिए. इनको बताएं सेगमेंट के बारे में. आपका ये सेगमेंट खत्म होता है. आप चाहें तो आप ये सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करके जा सकते हैं और अगली बार अच्छे से तैयारी करके आइएगा, या तो यू कैन प्रोसीड. आगे जाएंगे हमारे साथ या यहीं से आप चाहते हैं कि आप यहीं से लीव करें और अपने जो आपने 100 रुपीज. हेलो मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं बोल रहा था कि उनके सिग्नल थोड़े खराब हैं. वो सिग्नल ठीक होंगे तो मैं बात. नहीं सिग्नल खराब नहीं है. अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. कैश किस में कॉल्स कटेंगी? क्यों नहीं काटेंगे सर? मैं अपने ये जो बॉन्ड अमाउंट है आप इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि अगले सेगमेंट में अगर आपने एक भी सवाल गलत किया तो आपकी अमाउंट आधी हो जाएगी, फिर आपको आधे पैसे मिलेंगे. तो अगर आप चाहो तो आप यहीं पे क्विट कर सकते हो. जी आगे सर काजम अली के साथ पहले भी खेल चुका हूँ, आगे चले आप. बहुत शुक्रिया. जबरदस्त जी जबरदस्त. अच्छा जी बताइए जी गैम्बिया का कैपिटल बताइए. दारुल खिलाफा जिसे कहते हैं. ठीक है जी गैम्बिया. जी जी गैम्बिया का जी. प्राइया, जमीना, बंजुल, अडिस अबाबा. मंजुल. जी बिल्कुल करेक्ट.
आप फिर काउंट कीजिएगा, ठीक है जी? जी जी मैं काउंट कर रही हूँ। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट सवाल है, जिम्बाब्वे का दारुल खिलाफा बताइए, कैपिटल बुलवायो, कंडोमा, हरारे, रुसापे? हरारे। जी बिल्कुल दुरुस्त। चलें जी, साउथ सूडान जो है उसका कैपिटल बताएं, साउथ सूडान का कैपिटल। आपको हमारी आवाज आ रही है? हरारे सर, हरारे। जी जिम्बाब्वे का आपने ठीक कर लिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है? साउथ सूडान का आप बताएं कैपिटल क्या है, जुबा, ओस्लो, खर्तूम, प्रिटोरिया? दोबारा बताएं सर, सूडान का? सूडान क्या, साउथ सूडान का, ठीक है? साउथ सूडान का। जी साउथ सूडान का, जुबा, ओस्लो, खर्तूम, प्रिटोरिया? नंबर वन कर देगा। नंबर वन है जुबा, इस पे क्लिक कर दूं? नंबर वन, इसी को सिलेक्ट कर लूं, जुबा है ये? हाँ क्लिक कर दे बस। ओके जी, यू आर राइट। जी हिरन के कितने सवाल ठीक हो गए? जुबा को कर दूं। इनके तीन सवाल ठीक हुए हैं इनके। अच्छा जी चलें। अच्छा आप बताइए कि तीन सवाल ठीक हो गए इनके। अच्छा जी, स्करिलियस का एंटोनिम बताइएगा। स्करिलियस, इंसल्टिंग, मोरल, लीव्ड, ऑफेंडिंग? इसका स्करिलियस का एंटोनिम बताएं, इंसल्टिंग, मोरल, लीव्ड, ऑफेंडिंग? ऑफेंडिंग जी, ऑफेंडिंग। रियाज साहब मोरल होगा सर, मोरल। जी बिल्कुल मोरल है। जी बिल्कुल करेक्ट। इनका सेकंड सेगमेंट भी मेरे ख्याल में जीत गए, ठीक है जी? चार सवाल जी, हम थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कंस्ट्रेंट्स इन पे नहीं रख रहे। जी रियाज साहब आप सेकंड सेगमेंट जीत चुके हैं, ठीक है जी? जी सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सेकंड सेगमेंट भी जीत चुके हैं, ठीक है जी? अब तीसरा सेगमेंट होगा, ठीक है सर? आगे चलें या यहाँ से वापस जाएंगे? आप वापस जाना सीखा ही नहीं, हार जाऊंगा का कोई मसला नहीं है। वाह जी वाह वाह। चलें जी, इटर्निटी का बताएं इंटरनेम हमें, इटर्निटी, हेवन, इटर्निटी, ठीक है सर? मुंडेन, एब्स्ट्रैक्ट? ऑप्शन दोबारा बताएं सर। हेवन, ट्रांसेंस, मुंडेन, एब्स्ट्रैक्ट? मुंडेन। हमारा और आपका साथ यहीं तक था रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके और आपसे कैश मिलके बहुत मजा आया। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। और आप जी 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 फरमाएं। कैश की कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी सर से आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सवाल याद रहेंगे और आपको बताते चले। आप अपने क्रेडेंशियल्स जो है ना, अपने क्रेडेंशियल्स हमें मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज में अपना नंबर, नाम और नंबर सेंड कीजिएगा ताकि आपको आपका जो प्राइस है ना वो हम बेच सकें। इसके अलावा फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा बेचने का, तो हम नहीं चाहते कि आप महरूम हो अपने कैश प्राइस से, ठीक है जी? कोई मसला नहीं, नंबर भेज दो आपको भी। जी जी, अपना नाम और नंबर मैसेज में भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आप दोबारा आइएगा अगले सैटरडे संडे, हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप लीव कर जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है हमारे पास आने रामलिया, आप लीव कर दें। जी नेक्स्ट एक्सेप्ट कर ली है रिक्वेस्ट, थोड़ा सा टाइम लेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? दिस इज आमना। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, आप कहाँ से? अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीएस इकोनॉमिक्स फ्रॉम पेशावर। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक। आप यहाँ ब्यूटी क्विज के लिए आई हैं या आप? सर उस्मान जो क्विज ले रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं कौन कौन से हैं। इनको बता दीजिए,
एक हमारे पास ब्यूटी का है और एक हमारे पास वो है जो हम कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए करते हैं या वन पेपर के जो बच्चे होते हैं जो उनके ठीक वही वाला. तो उस्मान यू शुड प्रोसीड, आप इनसे सवाल पूछ लीजिए एंड आई होप शील एज द टेस्ट. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आपका पहला सवाल मैं इस्लामियात में आपसे करूंगा, ठीक है? अभी तक हम इंग्लिश और करंट कैपिटल्स में चल रहे थे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर ताकि बोर ना हो थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, ठीक है? ओके. जो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं उनके जिम्मे क्या काम है? रेन और रोजी. बिल्कुल दुरुस्त. अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? कौन हजरत? जिब्राइल अलैहिस्सलाम. अच्छा, वही लाना पैगंबरों के पास. बिल्कुल दुरुस्त है जी. अच्छा जी, ये बताएं कि कयामत के दिन जो सूर फूंकेंगे उस फरिश्ते का नाम बताएं. हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम. बिल्कुल दुरुस्त है जी. फर्स्ट सेगमेंट आपका खत्म हो गया, आप जीत चुके हैं, ठीक है जी? 100 रुपीज का सेगमेंट था और अब हम प्रोसीड करेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ. ठीक है, प्रोसीड कर जी. बहुत जबरदस्त. अच्छा, आपसे हम अब पूछते हैं थोड़ा सा जनरल साइंस में से आपसे सवाल कर लेते हैं, ठीक है जी? ओके. ये बताएं कि जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होते हैं इज सिक्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, ठीक है जी? पिट्यूटरी, पैंक्रियास, थायरॉइड, नन ऑफ देम. एंटी ड्यूरेटिक. देखें ऑप्शंस हैं, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, थायरॉइड, नन ऑफ देम. सवाल था एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रीट जो करता है कौन सा ग्लैंड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. जी बिल्कुल दुरुस्त है. ठीक है जी, एक सवाल आपका हो गया, चार सवाल होंगे इस सेगमेंट में आपके, ठीक है जी? Okay. अच्छा, ये बताएं कि आपसे थोड़ा सा पूछते हैं इंग्लिश में, ये बताएं कि पेंडेमोनियम का एंटोनिम आपने बताना है, मुतजाद बताना है आपने, ठीक है? मुतजाद. एक सवाल आपसे इसी में पूछेंगे फिर नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है जी? पेंडेमोनियम का एंटोनिम बताएं. किस चीज का? पेंडेमोनियम का एंटोनिम. पेंडेमोनियम प्लेटफॉर्म, क्विचूड, कंफ्यूजन. क्या सर? प्लेटफॉर्म, क्विचूड, कंफ्यूजन, टेंशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आप 1, 2, 3, 4 करके पहला, दूसरा, तीसरा करके हम बता सकते हैं. सर ये सेकंड आपने क्या बताया था? क्विचूड. क्या सर, मुझे इस वर्ड की नहीं समझ आई. Q-U-I-E-T-U-D-E, क्विचूड. सर लास्ट क्या था? टेंशन. सर थर्ड है कंफ्यूजन. जी थर्ड कंफ्यूजन है और फर्स्ट प्लेटफॉर्म. थर्ड सर. थर्ड नहीं है लेकिन चलें, आप इन तीन में से बताइए, एक ऑप्शन निकल गया, ठीक है जी? थर्ड नहीं है, ठीक है? आप प्लेटफॉर्म, क्विचूड और टेंशन में बताएं. प्लेटफॉर्म. नहीं जी, दुरुस्त नहीं है सवाल. इसका इसका असल जवाब है क्विचूड, ठीक है जी? पेंडेमोनियम का एंटोनिम है क्विचूड. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका. और आपको जैसे बताया गया था कि अगर आप सेगमेंट हारते हैं तो आपकी जो विनिंग अमाउंट है ना वो आपको हाफ मिलेगी. तो इंशाल्लाह आप हमें क्रेडेंशियल्स लाजमी भेजिएगा, हेरा को भेजिएगा या मुझे. आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ना अपना नाम लिखे और अपना नंबर लिखे, आपको लोड करेंगे, ठीक है? लोड की फॉर्म में, इजी पैसे वगैरह, ठीक है जी? आप लाजमी भेजिएगा क्योंकि कल भी हमसे 2-3 बंदे मिस हुए और अभी गया था, बार बार आ गया. हाँ जी, अगले सैटरडे संडे आप फिर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे एंड आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहिएगा. जो आपने ऑलरेडी तैयारी की उसे और बेहतर प्रिपेयर कीजिएगा और प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. इनका ये बहुत अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड एक पार्टिसिपेंट थे. मैं इनके कमेंट्स देख रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी इनको मेरे ख्याल में. मैंने कई मरतबा एक्सेप्ट भी की रिक्वेस्ट, लेकिन हमारे साथ हैं वरीन, जरवरीन मैडम है, एक्सेप्ट कर लिए मैंने रिक्वेस्ट. वरीन मोहतरमा आपका हमने एक्सेप्ट कर लिया है. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. आपका आपका कैमरा शायद फंक्शनल नहीं है जी. सर मैं ऊपर बैठी हूँ, नीचे शोर है ऊपर.
अंधेरा है, लाइट नहीं है. आप बलूचिस्तान से हैं? हेलो. हेलो. थोड़ा सा हमें इशू आ गया, इनके सिग्नल्स का मसला है. हसन साहब ने एक सवाल किया, तब तक मैं इसका जवाब ना दे दूं. हीरा सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्विज क्वालिफाई बस हाफ फाइव का स्टूडेंट ही कर सकता है. इनके सवाल का जवाब तो दे दें तब तक. क्विज कोई भी जिसने हाफ फाइव की वेबसाइट पे जाके तैयारी की होगी, हम सवाल वहीं से पूछते हैं, वही आपका सिलेबस है. तो कोई अगर तैयारी कर लेता है और जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब देता है, तो वो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, कोई भी आ सकता है. अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है हसन, तो प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए. किसी और को लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी है तो वो हमें रिक्वेस्ट कीजिए, हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे. और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आके हमसे पैसे जीत के जाएंगे. तो हमारी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनीबॉडी कैन जॉइन एंड एनीबॉडी कैन विन एज लॉन्ग एज ही आंसर्स द क्वेश्चंस करेक्टली. जी बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए ये कैश क्विज जो है, इसका असल जो स्लोगन है या जो प्रॉपर टाइटल है वो लर्न टू विन है, लर्न टू अर्न है. ठीक है जी हसन साहब, अगर हमारे पास कोई और रिक्वेस्ट है तो उस्मान प्लीज आप वो एक्सेप्ट कर लीजिए तब तक. जी एक्सेप्ट कर ली है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह शेरियार साहब हैं जो जिनकी एक्सेप्ट की गई है. और वो कई बार इनको ट्राई की हमने, लेकिन थोड़ा सा मसला बना, शायद उनके इंटरनेट इश्यूज हैं, वो डिक्लाइन हो जाते हैं. आई गेस मैं एक और एक्सेप्ट कर लेता हूँ. और आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं आप हमें कमेंट में बता दीजिए. अगर हम यहाँ एड्रेस कर सकते हैं तो हम यहाँ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं कर सकते तो हम इनबॉक्स में कर देंगे. लेकिन जो इश्यूज हमें लगता है कि ज्यादा ऑडियंस. जी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अच्छा, लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था जस्ट बिकॉज आज हमारा ब्यूटी और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो अ गर्ल आस्क्ड मी, शी मैसेज मी और उसने कहा कि एवरीबॉडी सेज के यू शुड बी वेयरिंग मेकअप ऑन सनस्क्रीन, आई एम सॉरी, सनस्क्रीन ऑन डेली बेसिस आपको क्यों लगाना चाहिए, इज इट जस्ट टू प्रिवेंट स्किन कैंसर? नहीं, सनस्क्रीन आपको स्किन कैंसर को प्रिवेंट नहीं करता है. इट हेल्प्स योर स्किन लुक यंगर एंड रिंकल फ्री. तो आपको नॉट जस्ट गर्मियों में, सर्दियों में भी, इवन इफ द वेदर इज क्लाउडी, आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए. हाँ, आप मेकअप को सनस्क्रीन से तब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अगर आपका फाउंडेशन इज SPF अबव 40. वालेकुम अस्सलाम. तो तब आप यूज कर सकते हो फाउंडेशन को एज अ सब्स्टिट्यूट टू योर सनस्क्रीन. अदरवाइज वेयर योर सनस्क्रीन डेली. अगर आप लैपटॉप के सामने भी बैठ रहे हो, वेयर योर सनस्क्रीन एंड ट्राई कि आप हर एवरी टू आवर्स यू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. तो कैरी इट वेयर एवर यू गो एंड अप्लाई इट, यूज इट. जी बेटा अपना नाम बताएं. जी, माय नेम इज अनमोल, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कर, आई रीड इन क्लास 8. अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. ठीक, तो आप यहाँ ब्यूटी क्विज के लिए आए हो या आप यहाँ कॉम्पिटिटिव वाले के लिए आए हो? जी सर, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है. चलें हीरा से मैं सवाल कर लेता हूँ अगर आप मुनासिब समझते. ठीक है थोड़ा सा आपसे बेटा. सर आपको कोई जरूरत है? जी मैं आपसे बेटा पहला सवाल करूंगा साइंस में से. ठीक है जी, जो सबसे ठंडा प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो इसमें सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो? नेपच्यून. बिल्कुल करेक्ट.
तीन सवाल आपसे की जाएंगे इस सेगमेंट में, ठीक है? 100 रुपीज का सेगमेंट है, ठीक है? ओके सर, ये बताएं कि आज तक जो सबसे ग्रेट स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का जलजला है जो कि नापा गया है रिश्टर स्केल पे, वो कितना है? फॉर एग्जांपल 5.5 है, ऑप्शंस बताता हूँ आपको, 6.3, 6.8, 8.6. दोबारा ऑप्शन सुन लें, 5.5, 6.3, 6.8, 8.6. 5.5. चलें ये नहीं है, लेकिन आप इन तीनों में से अब बताएं, 6.3, 6.8, 8.6, इनमें से कौन सा है? 8.6. बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जी। कितने सवाल आपने ठीक कर दिए? दो सवाल इनके जी। चलें ये बताएं कि जो क्रूड ऑयल होता है ना, खाम तेल, आपने सुना होगा ना, वो कलरलेस होता है, ऑडोरलेस होता है, स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड होता है, ऑडरलेस येलो टू ब्लैक लिक्विड, कौन सा होता है? ब्लैक लिक्विड। ऑप्शन दो। अच्छा चलें ऑप्शन सुन लेना ये पूरा, एक्चुअली आपने हाफ सही का। जो ब्लैक लिक्विड के ऑप्शन है ना, वो है स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड और ऑडरलेस येलो टू ब्लैक लिक्विड, इन दोनों में से कौन सा है? येलो टू ब्लैक लिक्विड। ये करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। तीन सवालों के जवाब दे दिया आपने जी सर। फर्स्ट सेगमेंट आप जीत चुके हैं, ठीक है बेटा? अब 100 रुपीज आप देखें कैश जो क्विज है ना, इस क्विज में वो जीत चुकी हैं। अब अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे ना, नेक्स्ट सेगमेंट जो सेकंड सेगमेंट जिसमें आपसे चार सवाल किए जाएंगे, अगर वो आप हार अगर जाके हारेंगी तो आपको ये जो अमाउंट है ना इसके हाफ मिलेंगे। तो अगर आप अभी से जाना चाहें, छोड़ना चाहें, तो आपको फुल अमाउंट मिलेगी। अगर आगे जाना चाहें, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अच्छा चलें हीरा, आप इनसे थोड़ा सा बेसिक्स में से पूछ लें, क्योंकि हमारे पास हाफ आई में थोड़ा सा वो सेगमेंट खोलना पड़ेगा इनके लिए, फिर आप इनसे बेसिक्स में अगर पूछना चाहें। ठीक, मैं इनसे आसान से सवाल पूछ लेती हूँ। अगर कहें तो मैं इस्लामियात में ना पूछ लूँ इनसे? जी जी पूछ ले, इनको जो पसंद है हम इनसे वहां से पूछेंगे। इस्लामियात से पूछ लेते हैं बेसिक में बेटा, ठीक है जी सर। बेटा जो आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके जिम्मे क्या काम है ये बताएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाना। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त बेटा। ये बताएं कयामत के दिन, जो आपने सुना होगा ना कयामत के दिन एक सूर फूंका जाएगा, वो सूर जी वो सर, सूर को... इस्राफील। जी इस्राफील अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल इस्राफील। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हम जब मरते हैं तो हमसे रूह कौन से फरिश्ता कब्ज करते हैं? इजराइल। जी इजराइल। बिल्कुल ठीक है, तीन सवालों के जवाब दे दिया आपने जी सर। आपका आखिरी सवाल है, ठीक है? जी सर। ये जो कब्र में फरिश्ते आकर सवाल करते हैं इंसान से, उनका नाम बताइएगा। जी सर। ऑप्शंस दूं आपको? किरामन कातिबीन। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं बेटा, एक ऑप्शन आपका हो गया, चलें किरामन कातिबीन हो गया, ठीक है? एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज कर देते हैं, एक ऑप्शन है हजरत किरामन कातिबीन। नहीं नहीं बेटा मेरी सुन लेना, पहला ऑप्शन एक आपका जो ऑप्शन है ना वो एक ऑप्शन समझ लेते हैं, एक ऑप्शन कर लेते हैं नन ऑफ दीज। दो ऑप्शन और है, मुनकर नकीर है और एक है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, अब बताएं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक। आप सेकंड सेगमेंट भी जीत चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना थर्ड सेगमेंट, ठीक है जी सर। हाँ जी जी सर। चलिए ये बताएं, अभी आपने जो नाम लिया ना, थर्ड सेगमेंट का सवाल है, आपने अभी नाम लिया किरामन कातिबीन का, ठीक है बेटा? मेरी तरफ देखे ना। यस सर। आप किधर देख रहे हैं? सर आप किधर देख रहे हैं? ठीक, मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, आप मुझे बताएं लिजर्ड्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर दे एम्फीबियंस, आर दे मैमल्स, आर दे रेप्टाइल्स, क्या है वो? आई एम नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट। लिजर्ड्स जो हैं हमारे पास, व्हाट आर दे एम्फीबियंस, आर दे रेप्टाइल्स? चिपकली बेटा, चिपकली, चरमक्के बेटा, चरमक्के। वो हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स
वेरी गुड. अच्छा तो उस्मान आप इनसे और पूछ लीजिएगा, ये मेरा सवाल इनसे. अच्छा जी, ये बेटा आपसे 5 सवाल किए जाएंगे इस सेगमेंट में, ठीक है? सवाल 5 होंगे, आपने एक सवाल का जवाब दे दिया है, ठीक है? 4 सवाल आपके रहते हैं. अभी आपने नाम लिया था किरामन कातिबीन का, तो किरामन कातिबीन ये इनकी पोजीशनिंग बता दें जो लोग कहते हैं, और ये करते क्या हैं ये बताएं. ये कब्र में आके पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन किरामन कातिबीन. अभी जब आपने सेगमेंट जीता था ना जिस सवाल पे, जब मैंने आपसे पूछा था कि कब्र में कौन से फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, तो उसका जवाब आपको याद है क्या था? मुनकर नकीर. तो आप बताएं ना किरामन कातिबीन कैसे सवाल कर सकते हैं, वो तो मुनकर नकीर हैं. अमाल लिखते हैं, याद आया. हाँ जी. अच्छा मुझे बताएं कि इनमें से आपके लेफ्ट पे कौन सा होता है और राइट साइड पे कौन सा होता है? अच्छे वाले अमाल वाला कौन सा साइड पे होता है और बुरे अमाल वाला लिखने वाला कौन सा साइड पे होता है? अच्छे वाले राइट साइड पे. बिल्कुल दुरुस्त है, राइट साइड. बिल्कुल दुरुस्त है. कितने सवाल आपने ठीक कर दिए बेटा? 3 आई थिंक जी. 3 सवाल जी. जी देखिए बेटा, आपके 2 सवाल रहते हैं, ठीक है? हिरा आप अगर साइंस में से पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं. आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे जब लगेगा कि मुझे पूछना चाहिए तो मैं पूछूंगी. अच्छा, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो कितने हैं बेटा? 4. नाम बताएं. इज़राइल, इस्राफील, मिकाईल, जिब्राइल. ठीक है बेटा, ठीक है. आपका एक सवाल रहता है और वो होगा आपसे इंग्लिश में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम हार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है? इंग्लिश में आपसे सिंपल सा मुतजाद में पूछूंगा, ठीक है? अल्फाज मुतजाद जिसे उर्दू में कहते हैं. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. ठीक है, इंग्लिश में आपसे एंटोनिम में पूछूंगा. आप बताएं ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का एंटोनिम बताना है. TRANQUIL, ट्रैंक्विल. इसका आपने मुझे ऑप्शन. हेलो ऑप्शन सर आपको. बेटा आपके ये आप माउस का इस्तेमाल कर रही हैं, आप कैमरे की तरफ देखें, ठीक है? उस्मान आप इन सर मैं कैमरे की तरफ देख रही हूं. अच्छा चलिए बताएं, दो ऑप्शंस दे दें उसमें से ये चूज कर लें. चलिए बेटा, ट्रैंक्विल का आपने एंटोनिम बताना है. एक है वोसिफोरस, ठीक है, वोसिफोरस, और एक एजिटेटेड. इन दोनों में से क्या इसका एंटोनिम कौन सा है? सर ये दूसरा वाला ऑप्शन जो आपने बताया क्या था? वोसिफेरस. नो सर, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. एजिटेटेड. यस सर. ये इसको लॉक कर दूं? यस सर, इसको टिक कर दूं. चलें ठीक है, सेगमेंट आप जीत चुके हैं, ठीक है? थर्ड सेगमेंट. अच्छा दूसरा हम इनसे पूछ लेते हैं, उससे मैथमेटिक्स से. आप मुझे बताइए 6 जी, इनका सेगमेंट 4 चल रहा है, ठीक है? इनको बीच में बताते चलिएगा. 3 सेगमेंट्स आप जीत चुके हैं. 6 जी सर. 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 48. ठीक. 125 इनटू 4 इज 480. नहीं, नहीं, नहीं. चलिए दोबारा सोच लें. She was right, 500, लेकिन वो डिस्कनेक्ट कर गई. दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इनकी रिक्वेस्ट है. बेटा आप दोबारा हमें करें रिक्वेस्ट, आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज. इनका तीसरा सेगमेंट चल रहा था, राइट? तो अगर ये हमें दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं ज्वाइन करती तो लेट्स सी, विल वेट.
आप प्लीज हमें दोबारा ज्वाइन करें। और इनका सेगमेंट 4 चल रहा था, ठीक है जी हीरा, मैं ये थोड़ा सा आपको बताता चलूं, ये 3 सेगमेंट जीत चुकी थी। अब एक सवाल जो आपने सेकंड सवाल चल रहा था 4 सेगमेंट में, ठीक है जी बेटा, आप रिक्वेस्ट करें हमें। अब क्या करें, इनका वेट करें क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं आई, हमारे पास और भी रिक्वेस्ट हैं। मेरा तो आई गेस हमें इनको अगले क्विज में, या अगर ये दोबारा रिक्वेस्ट करती हैं शॉर्टली तो हम इसको इसी क्विज में उठा लेते हैं, नहीं तो इनको हम यही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप फिर हमें नेक्स्ट क्विज में ज्वाइन कर लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है जी, चलें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें अपने क्रेडेंशियल्स भी दे दें जो अब तक के सेगमेंट्स जीत कर जो जो जीते हैं उनके उसकी जो प्राइज है वो ताकि उनको मिल सके। और जब तक कैश भी चल रहा है तो कोशिश करें हमें रिक्वेस्ट दोबारा भेजिएगा ताकि बेटा हम आपके जो है ना कंटिन्यू कर सकें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला साहब आप कहाँ से हैं? बदीन। बदीन, बदीन से आप? बदीन कौन सी प्रोविंस में? इन। चलिए जी, ये हमारे लिए एक जनरल नॉलेज हो गई, वाकई मुझे नहीं पता था बदीन। हम आपसे भी सीखते हैं ना, आप हमसे सीखेंगे और हम आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर एमए है और थीसिस के हवाले से थोड़ा अगर सवाल। किसके हवाले से सवाल करूं? CSS के जनरल नॉलेज, पाक अफेयर, करंट अफेयर और पाकिस्तान इस्लामियात वगैरह। जी जरूर, क्यों नहीं आपसे फिर CSS के, अगर आप फॉर एग्जांपल एस्पायरेंट हैं तो आपसे फिर, क्योंकि इंग्लिश ही एक इम्पोर्टेंट है उसमें से सवाल ना कर लें। जी इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी हो, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट। जी जी जरूर, पहला सेगमेंट आपके साथ इंग्लिश का खेल लेते हैं, उसके बाद आते हैं सबकी तरफ, ठीक है जी। आप बताएं अनप्रेडिक्टेबल का एंटोनिम बताइएगा। ऑप्शन प्लाइबल, रिलायबल, पॉसिबल, पोटेंशियल, एंटोनिम बताना है, ठीक है रिमेम्बर। रिलायबल जी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है स्टन, स्टन STERN, स्टन का एंटोनिम बताइएगा। लीनियंट, क्रैबी, पोलाइट, अनरीजनेबल। स्टन का एक पोलाइट बताया था और आपने, देखें दोबारा बताता हूँ, स्टन का आपने एंटोनिम बताना है लीनियंट, क्रैबी, पोलाइट, अनरीजनेबल। ऑप्शन रिपीट करने के बाद लीनियंट, लीनियंट, क्रैबी, पोलाइट, अनरीजनेबल। लीनियंट जी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जी। दो सवाल आपने ठीक कर लिए। आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, अमलगमेट, अमलगमेट का एंटोनिम बताएं। ऑप्शन जनरेट, रिपेयर, मटेरियलाइज, सेपरेट। सेपरेट जी बिल्कुल दुरुस्त है। एक सेगमेंट आप जीत चुके हैं, ठीक है 100 रुपीज का। आप अगर नेक्स्ट में जाएंगे तो ये, अगर वो हारते हैं तो ये हाफ हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप गिव अप करते हैं तो आपकी अमाउंट आपको फुल मिलेगी। आप बताएं आप आगे जाएंगे या गिव अप करेंगे? नेक्स्ट सेगमेंट में कितने वो क्वेश्चन, सवाल 4 हैं, तो कितने इससे होंगे, इस्लामियात से या पाक अफेयर या सब्जेक्ट मिक्स होंगे, कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। और गिव अप करते हैं, पैसे कैसे मिलेंगे? इजी लोड के थ्रू आप अपने क्रेडेंशियल्स हमें भेजेंगे, ठीक है, अपना नाम, अपना नंबर और ये नेटवर्क भी बता दीजिएगा क्योंकि नंबर अक्सर कन्वर्टेड होता है, तो अपना नेम प्रॉपर, पूरा नाम, उसके साथ अपना नंबर और नेटवर्क कौन सा है, ठीक है, अगर कन्वर्टेड नहीं, कन्वर्टेड है तो 100 रुपीज गिव अप करने पे आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट में क्वेश्चन कितने, 4 जी, नेक्स्ट में 4 सवाल है, 200 रुपीज है। अगर वो हार जाते हैं तो फिर जी, हार जाएंगे तो फिर 50 रुपए मिलेंगे इस सेगमेंट वाले। चलो फिर ये मैं गिव अप करता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझसे ऑप्शन पूछते जाइएगा पहले, ठीक है जी। अमल, हेलो, सॉरी जी, जी सर, ऑप्शन, हेलो जी सर, आप एक सवाल और
मुझसे पूछ के जाइएगा, ठीक है? मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ ताकि आपकी लर्निंग के लिए, थ्रिफ्ट का आप बताएं टाइम क्या है, थ्रिफ्ट का आप गिव कर चुके हैं, आपको अमाउंट पूरी मिलेगी, थ्रिफ्ट का एंटोनिम बताएं, परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट इन्वेस्ट, थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट thrift थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट इसका एंटोनिम बताएं, परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट इन्वेस्ट, स्पेलिंग क्या बताई, thrift जी, अच्छा इनका क्या एंटोनिम जी, परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट इन्वेस्ट, थ्रिफ्ट का मतलब स्पेंड करना ही है, और सर ऑप्शन रिपीट कर दें, परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट इन्वेस्ट, इन्वेस्ट चले तीन ऑप्शन में बताएं, ये नहीं है परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट, इसमें से कौन सा है, थ्रिफ्ट का मतलब तो यही है स्पेंड करना और एंटोनिम, परचेज बताएं जी, एंटोनिम बताएं, परचेज डिस्ट्रॉय वेस्ट, परचेज डिस्ट्रॉय और वेस्ट, क्या वेस्ट वेस्ट तो इनका सिनोनिम है और डिस्ट्रॉय भी है, परचेज चलें दो में बताएं, डिस्ट्रॉय और वेस्ट में इसका एंटोनिम कौन सा है, सर ये मैंने एक मेरा भी क्वेश्चन है, मैं आपकी ऐप थोड़ी यूज की थी, उसमें कभी सिनोनिम आ रहा था कभी एंटोनियम, मतलब वो उसमें एरर आ रहे थे, उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी रखे हैं जी, स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा, लेकिन देखें वो सिनोनिम होगा ना, तो सिनोनिम के क्वेश्चन भी डाले होंगे, अभी यहाँ पे एंटोनिम बताएं आप हमें, अगर आपको कोई एरर लगता है बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे, हो सकता है, देखें बड़ा डेटा बेस है 22 लाख सवाल आते हैं, लेकिन बहुत रिफाइन करके हमने डाले, फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है, टू एरर इज टू ह्यूमन, तो आप हमें वो लाजमी जो है ना रिपोर्ट किया करें, ताकि ये लर्निंग का प्रोसेस रुके ना और गलत लर्निंग ना हो लोगों की, ठीक है जी सर, इसीलिए फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आप उस ऐप को ही फॉलो कर रहे हैं या कोई मतलब कौन से ऐप को, मतलब वो हाँ आपसे पूछा है वो तो सारे वहीं पे बिल्कुल करेक्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल बैठी है, तो उसमें करेक्शन एरर है ही इतना नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं है, हम अच्छे से चेक करके क्रॉस चेक करके अपना मटेरियल अपलोड करते हैं, तो इन्होंने आपको एंड के दो ऑप्शंस दिए हैं, आप प्लीज उसमें से डिस्ट्रॉय और वेस्ट में से बताएं आप, एंटोनिम बता दें, डिस्ट्रॉय और वेस्ट, थ्रिफ्ट का एंटोनिम में एंटोनिम जी, एंटोनिम सिनोनिम तो सर इसका वेस्ट है और एंटोनिम आई थिंक डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छा सर जी आप अपने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखें, अपना नंबर लिखें, और अगर कन्वर्टेड है ना तो अपना नेटवर्क लाजमी लिखिएगा, ठीक है, ओके इनबॉक्स में देने, हाँ जी इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में हमें मैसेज कर दें, मुझे कर दें, हीरा मैडम को कर दें, किसी को भी कर दें, ठीक है जी जी, लाजमी बिल्कुल लाजमी करेगा, लाजमी कीजिएगा, ठीक है, इसमें सबकी फलाह है, उसका वेस्ट इसका एंटोनियम वेस्ट 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 है जी, इंशाल्लाह आपसे कभी भूलेगा, ठीक है, होता है जब आप अपने यूज चीजों को रीयूज करते हो, थ्रिफ्ट का स्पेंड करना है या वेस्ट करना है सिनोनिम आई थिंक जी, देखें एंटोनिम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम इसका वेस्ट है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पतंग साहब कह रहे हैं कि अमीर साहब से आसान क्वेश्चन करें, पतंग साहब बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब लेकिन पतंग साहब जब आप आएंगे ना तो फिर आपसे हम बहुत मुश्किल सवालात करेंगे, क्योंकि अमीर साहब के हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे प्लीज, एक एक्सेप्ट की है मैंने कोई आई एम वेनमस के नाम से जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी,
मुझे ऐसा महसूस कराया आपने. आपका क्या नाम है? सुहेब साहब, आपने मुझे ऐसे महसूस कराया जैसे मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट है ना वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि कैमरा ऐसे मुड़ के आया तो मुझे महसूस हुआ कि शायद हमें नासा भी देख रही है. कैसे हैं आप? ठीक हैं? मान हमारे पास टाइम, अल्लाह का शुक्र है. आप जल्दी से इनका क्विज शुरू कर दीजिए क्योंकि फिर रिक्वेस्ट्स काफी आ रही. जी जी, बस ये हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट होंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी, आपसे इंग्लिश में सवाल करेंगे सर साहब. ये कल भी आए थे, इन्होंने कल भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो somehow एक्सेप्ट नहीं हो रही थी. ही इज रिक्वेस्टिंग अगेन, तो वी विल मेक इट. नहीं, रिक्वेस्ट आ नहीं रही, इनकी रिक्वेस्ट इधर आ नहीं रही. इनको काइंडली पतंग साहब आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो इंशाल्लाह सुहेब साहब के बाद आप हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट होंगे. ठीक है जी, चलिए सुहेब साहब आप बताएं हमें. एंटनी, हेलो. जी 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 साहब, एंटोनिम बताएं हमें मेंडर की. आवाज आ रही है? हेलो हेरा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए, इनकी कनेक्शन इशू है. आप अच्छा जी, रिक्वेस्ट पतंग साहब आप हमें अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट थे. क्या ख्याल है हेरा आपका? जी जी, आपके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई? मेरे पास रिक्वेस्ट हैं लेकिन वो डिक्लाइन कर जाते हैं. ये बिल्कुल इनिशियली जब क्वेस्ट शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक ये रिक्वेस्टें आ रही हैं इनकी, लेकिन ये पता नहीं इनका कोई मसला है जो बार बार आ रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाती. ठीक, हमारे पास ब्यूटी रिलेटेड कोई है जो ब्यूटी क्विज के लिए आया हो? क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि हमने तैयारी की है और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. जी जी, एक खातून ने कहा भी था कि आज सारे लड़के ही क्यों आ रहे हैं, तो शायद वो इसी वजह से. जी सुहेब साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे. जी, वो इंटरनेट का इशू आई थिंक अभी भी है, पता नहीं कैसे कनेक्ट दोबारा हो गया. अच्छा चलिए, आपसे सवाल करते हैं. ठीक है जी, इंग्लिश में से. Yes, please. एंटोनिम आपने बताना है. ठीक है, एंटोनिम. जी, मेंडर का एंटोनिम बताएं. M E A N D E R, इसका एंटोनिम बताएं. मैं आपको ऑप्शंस देता हूं. डिटरमिन, रैम्बल, डिपटाइज, डिड्यूस. मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है. मेंडर, मेंडर की एंटोनिम बतानी है. ठीक है हेरा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी, आप ऑडिबल हैं. जुहैब साहब, आपको आवाज आ रही है? जुहैब साहब का थोड़ा सा इशू है, उनका कोई कनेक्शन इशू है. जी जी, इनका थोड़ा सा इशू है तो अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा डिस्कनेक्ट कर गए हैं. थोड़ा सा इनके लिए वेट कर लेते हैं. ठीक है जी, और ये पतंग साहब का भी थोड़ा वेट करते हैं. पतंग साहब, आपका कोई अभी तक मुझे रिक्वेस्ट नहीं आया, आप दोबारा अगर काइंडली ट्राई कर लें. ठीक है जी, जी पतंग साहब आपका रिक्वेस्ट आ चुका है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पतंग साहब कैसे हैं? आपका नाम क्या है जी? आपका असल नाम बताइए हमें. मेरा नाम जरक खान है. जरक खान साहब, माजरत है, हम आपको पतंग पतंग कहकर बुला रहे थे लेकिन आपका क्योंकि नाम ही यही था तो हमारे पास तो नाम था नहीं. ठीक है जी, चलें अभी तो पता चल गया ना. आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं? जी. क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है सिविल. अच्छा, जबरदस्त. क्या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं यार, मैं जॉब करता हूँ. अच्छा, कैश क्विज के बारे में कहाँ से सुना आपने? यार मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था. अच्छा, बहुत जबरदस्त. चलिए जी, आपसे सवाल इंग्लिश में करें. सवाल करिएगा, मैं मैथमेटिक्स के सवाल हो तो करें मुझसे, और अगर नहीं है तो फिर चलिए आसानी कुछ और सवाल कर लें, जीके के सवाल कर लें.
जीके के सवाल कर लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के आप तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने, हम असल में जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अभी डील कर रहे हैं, सवाल करते हैं, लेकिन जो आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं या आपसे जो पहले दो कर रहे थे वो इंशाल्लाह लेके आएंगे प्रॉपर मैथ्स का एक सेगमेंट जो स्पेशल है उसके लिए लेके आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह हम हर हफ्ते और इतवार को आते हैं तो आपकी इच्छा भी हम पूरी कर लेंगे, ठीक है जी। चलें जी सवाल की तरफ आते हैं। आप कह रहे हैं कि जनरल नॉलेज में सवाल करें हमसे, जनरल नॉलेज में से आपसे पहले इस्लामियात में से चलें कर लेते हैं जनरल से, ठीक है। चलें ठीक है। वो मजहब बताएं जिसमें हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को सुपीरियर जाना जाता है हजरत जिब्राइल से भी, उस मजहब वो कौन सा मजहब है? इस्लाम, ठीक है, हेलो, या जुदाइज्म? जी जी बोलें। जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, नन ऑफ दीज। जुदाइज्म जी, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तीन सवालों के आपने जवाब देने, फर्स्ट सेगमेंट 100 रुपीस का, ठीक हो गया आउट ऑफ द थ्री क्वेश्चंस। जी जी चलें जी। अच्छा जी चलें, ये बताएं कि इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक सबसे ग्रेटेस्ट जो एंजल है ना वो कौन सा है? अच्छा, मिकाईल इसराइल, मिकाईल इसराइल, जिब्राइल इसराफील। जिब्राइल जी, करेक्ट, ठीक है जी। आपका लास्ट क्वेश्चन है सेगमेंट का कि जो मुंकर नकीर है ना, मुंकर नकीर जो कब्र में आकर सवाल करते हैं, जी जी, तो ये जो रिकॉर्ड्स करते हैं, हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोले। आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन सकता हूँ। आप ऑडिबल जी जी, सवाल कंप्लीट कीजिए। जी जी, जो किरामन कातिबीन है ना, किरामन कातिबीन, ये जो फरिश्ते हमारे इस्लाम है कि जो लिखते हैं हमारी अच्छाइयां बुराइयां, तो ये रिकॉर्ड जो वो मेंटेन कर रही है तो ये किस लिए करती है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? ठीक है। To present it to other angels, to present it on the day of resurrection, to present it on the day of judgment, none of them. ये resurrection, day of resurrection. नहीं जी, ये है on the day of judgment. ठीक है जी। What is the difference between day of judgment and resurrection? Hello. जी जी मैं सुन सकता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपका, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी एरर आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपका कंसिडर ठीक होगा, ठीक है जी, और इसको मैं रिपोर्ट भी कर देता हूँ। आप ये सेगमेंट जीत चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में इश्यू था। थैंक यू। अच्छा आप ये बताएं कि जी आप पूछिएगा, आप 100 रुपीज जीत चुके हैं, ठीक है जरक साहब। वाह जबरदस्त, थैंक यू। एक गलती जो है ना आपको सेगमेंट जितवा गई है। एक गलती तो सबको माफ होती है वैसे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे हमारे साथ। ठीक, मैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट का पहला सवाल पूछ लेती हूँ। व्हिच मिनरल इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान? इज इट क्रोमाइट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले और जिप्सम? In the northern and western mountains of Pakistan. Would you please repeat the minerals, the options, please? Chromite, limestone, China clay, gypsum. दोबारा repeat करते जाएं जब तक वो सोच रहे हैं। Chromite, limestone, China clay, gypsum. जिप्सम। इट्स लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है वो हमारे नॉर्थ एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। लाइमस्टोन कहाँ होता है यार? लाइमस्टोन तो होता ही नहीं है हमारे पहाड़ों में। मैं खुद नॉर्दर्न एरिया से हूँ, वहाँ लाइमस्टोन कहाँ से आ गया? चलें ठीक है, होता होगा, होता होगा। वैसे सही है, वैसे ऑप्शंस में भी जिप्सम बहुत आ रहा है जो लोग कमेंट हाँ कर रहे हैं। देखें वो गुमराह कर रहे हैं आपको, आपको पता है। नहीं नहीं, मैंने वहां से
वहां से नहीं बोला मैं, वहां से नहीं बोला, बहुत मजा आया जरा साहब आपसे एक और पूछ लेती हूँ, वैसे भी आप तो सेगमेंट हार गए, मैं आपसे जनरली पूछ लेती हूँ. Hub River flows in the province of Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab or Balochistan? Hub River, Balochistan? Yes, that's the correct one. चलिए देखें सही सही तो बोला है हमारा. हाँ ठीक. Chandur Pass is located between Chitral and Gilgit, Tibet and Chitral, Mari and Balakot, and Kagan and Balakot. पहले आपने ऑप्शन दिए चित्राल एंड गिलगित, दूसरा कौन सा दिए? तिब्बत एंड चित्राल, मरी एंड बालाकोट, कागान एंड बालाकोट. फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन, चित्राल एंड गिलगित. ठीक. बिगेस्ट हमारा डेजर्ट कौन सा है पाकिस्तान का? द बिगेस्ट डेजर्ट इन फाउंड इन पाकिस्तान. थर. इनको ऑप्शन दे दे. इनके कितने क्वेश्चंस हो गए? वैसे सेगमेंट तो ये हार चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस इनके ये वाले सही हैं उन दो को छोड़ के. हेलो, मेरी आवाज आ रही है हीरा? जी 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 हीरा, इनसे एक सवाल और कर लें. ठीक. The average height of salt range is 675 meters, 700, 640 or 590. Repeat कर दे option जब तक वो option. ये इसमें मुझे एक भी नहीं आता, तो मैं तुक्का लगाता हूँ option number C. अब जो भी है वो आप बता. Third option. मैं repeat कर देती हूँ. 675 meters, 700, 640 or 590. The first one is the correct one. बस ठीक है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा, बस ये मेरी नॉलेज के लिए अच्छा था, मुझे आता नहीं था वैसे ये. जी जी, नॉलेज के लिए ही कर रहे हैं जरक साहब. हाफ फाइव का जो इनिशिएटिव है, इसकी हाफ फाइव वेबसाइट कैसा लगा? यार मैंने तो वेबसाइट नहीं देखी हुई, मैंने तो डायरेक्ट वो लाइव चैट वो क्लिक किया है, मैंने देखी नहीं. चलें आप तो देखेंगे, मैं देख लेता हूं. मैं विजिट कीजिए, वहां पर आपको ये सारे क्विज मिल जाएंगे, आप वहां खेलिए, फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए. हम हर फिर क्या मिलेगा ये तो बताएं. कैश कैश आप आइए, कैश विन करके जाइए. ठीक है जी, सही है. आप अपनी क्रेडेंशियल्स जी जी पढ़ाई करके आइएगा. जरक साहब आपने क्रेडेंशियल्स अभी भी हमें सेंड करें, क्योंकि आप एक सेगमेंट जीत चुके हैं. ठीक है, अपना नाम और नंबर, और अगर नेटवर्क आपने चेंज किया तो प्लीज हमें नेटवर्क उसके साथ लिख के मेंशन कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वो अमाउंट भेजी जाएगी. बहुत शुक्रिया आपका. ठीक है, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. जरक साहब थे हमारे साथ और अपनी सिस्टर के कहने पे आए हुए थे, और इंशाल्लाह जो फर्स्ट टाइमर्स हैं फॉर एग्जांपल, या जिनको नहीं पता और जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो दोबारा पढ़ कर आएंगे, और यही हाफ फाइव का मकसद है कि एक फन में लर्न किया जाए. जी बिल्कुल. अब हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट थे जरा खान साहब, और हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे. आप तमाम देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आते रहेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, और पढ़ के आइएगा हाफ फाइव से प्रॉपर. एक हम ब्लॉग्स भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, एमसीक्यूज का जो थोड़ा सा स्पेसिफाई करके. अभी हम थोड़ा सा रैंडमली प्यार दिखाने के लिए, हमें लाइव ज्वाइन करने के लिए, क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप अगले सैटरडे संडे दोबारा आइएगा, हमें और प्यार दिखाइए, तैयारी करके आइए ताकि आप कैश क्विज जीत सकें. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू शोन अस टुडे. दोबारा फिर आइएगा 7 बजे, हम आते हैं सैटरडे संडे, एंड वी विल बी वेटिंग. एंड आई होप कि आप लोगों के पास मेरे लिए क्वेश्चंस हो, मुझे इनबॉक्स कीजिए, और अगर इसके अलावा आपके कोई स्टडी रिलेटेड या आप तैयारी कर रहे हो वन पेपर की या किसी भी एग्जाम की, तो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट, आपको फ़ायदा होगा. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच. जी जी, और मैं थोड़ा सी कंक्लूडिंग एक बात करना चाहूँगा कि दोबारा मैं ज़रा थोड़ा इस पे
प्रेस करूंगा कि जो विनर्स हैं प्लीज हमें मैसेज कीजिएगा अपने क्रेडेंशियल्स का, अपना नाम, अपना नंबर, और उसमें अगर नेटवर्क चेंज है तो काइंडली मेंशन कर दें कि इस नेटवर्क पे चेंज किया गया है। इसके अलावा एक बात और बताऊं कि जो वन पेपर के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो हाफ फाइव से फ्री अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाफ फाइव देखें जैसे हम पहले भी बता चुके हैं वहाँ पे स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, तो आप दिल छोटा ना कीजिए अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते, आप ट्राई करें प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो करें। लेकिन चूंकि हमें भी पता है और हाफ फाइव को ये इस लिमिटेशंस का पता है कि क्योंकि स्लॉट्स कम हैं, तो अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते तब भी आप हाफ फाइव से वहाँ पे जो सवालात हैं जो इतने रिफाइंड फॉर्म में और इतनी महारत से बनाई गई तो आप लोगों की कामयाबी के लिए बनाई गई, ठीक है जी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मेहनत कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।